हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे से होंगे। तो स्वागत है आपका आज के इस न्यू HTML ट्यूटोरियल वीडियो में। सो दोस्तों, जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हो, एक बहुत ही अच्छी सी रिस्पॉन्सिव वेबसाइट जो है आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हो। सो आज के इस ट्यूटोरियल में दोस्तों कुछ इसी तरीके की जो है हम वेबसाइट बनाने वाले हैं। और जैसा कि आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे, ये पूरी तरीके से एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट है। जो हमारा मोबाइल व्यू है कुछ इस तरीके से दिखने वाला है, और जो डेस्कटॉप व्यू है दोस्तों वो कुछ इस तरीके से दिखने वाला है। दोस्तों आप चेकआउट कर सकते हो। सो इसके अंदर नंबर ऑफ सेक्शंस मैंने बनाए हैं दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, अबाउट अस, एडमिशंस, एकेडमिक्स, डिपार्टमेंट्स, कैंपस लाइफ, एंड लास्ट में एक कॉन्टैक्ट अस का भी हमारा सेक्शन है। और कॉन्टैक्ट अस के सेक्शन में आप देख सकते हो, यहाँ पे हमने अपना एड्रेस, ईमेल और जो कॉल अस का बटन है एक वो दिया है, और उसके नीचे एक कॉन्टैक्ट फॉर्म दिया है। और दोस्तों इस कॉन्टैक्ट फॉर्म को कैसे अपने ईमेल पे, जो इसके जो भी इसमें सबमिशन आती है वो कैसे अपने ईमेल पे लाना है, वो भी इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ। मैं साथ साथ इस प्रोजेक्ट को जो है वो मैं डिप्लॉय भी करूँगा लाइव सर्वर पे, कनेक्ट करके भी मैं दिखाऊंगा आपको कि किस तरीके से इसे ऑनलाइन हम अपनी जो सर्वर पे है उसको होस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एक मैंने, आप देख सकते हो, मैप भी लगाया है, जहाँ पे आप हम चाहें तो अपना जो लोकेशन है कॉलेज का वो यहाँ डाल सकते हैं, ठीक है ना। अगर मैं इसके अंदर आपको दिखाऊं तो आप यहाँ से ये जूम इन जूम आउट कर सकते हो, ठीक है ना। और नीचे दोस्तों हमारा एक सिंपल सा फुटर सेक्शन है, जो कि हमने लास्ट वीडियो में भी कुछ ऐसा ही बनाया था। और दोस्तों जो सबसे खास बात है, इसके अंदर जो हम यूज़ करने वाले हैं दोस्तों वो HTML, CSS और JavaScript यूज़ करेंगे। दोस्तों मेनली HTML और CSS ही यूज होने वाला है। दोस्तों जो JavaScript का पार्ट है वो हमारा मेन्यू बार और स्लाइडर के लिए यूज होगा, बाकी हमारा HTML और ये CSS में कंप्लीट वेबसाइट बनी है। दोस्तों आप देख सकते हो इसकी लुकिंग, इसमें हमने कोई भी फ्रेमवर्क का यूज़ नहीं किया है दोस्तों। सो दोस्तों इस वीडियो के अंत तक आप इस तरीके की जो कुछ वेबसाइट है उसको आप इजीली डिज़ाइन कर पाओगे सिमिलर वेबसाइट्स, और अपनी जो क्रिएटिविटी यूज करके और भी बेहतर बना सकते हो। जस्ट मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम बनाते हैं इस तरीके की वेबसाइट्स। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपना पहला सेक्शन क्रिएट करते हैं। दोस्तों जिस भी एडिटर में आप वर्क करना चाहते हो, आप उस एडिटर को सबसे पहले ओपन कर लोगे। मेरे केस में मैं VS Code का यूज कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे आप देख सकते हो VS Code ओपन कर लिया है। सो उसके बाद जो है आपको अपने जो वर्किंग डायरेक्टरी है उसमें आना है, और आपको एक मैं जिप फाइल देने वाला हूँ। उस जिप फाइल को आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हो। बेसिकली इस फोल्डर के अंदर आपको जो है जो डायरेक्टरी है वो क्रिएटेड मिलेगी दोस्तों, और जो फाइल्स वगैरह हैं जो भी हमने इसमें यूज किए हैं वो क्रिएटेड मिलेगा, बट उसके अंदर कोई भी कोड नहीं लिखा होगा, बस बेसिक कोड्स लिखे होंगे। सो इस फोल्डर को आपको अनजिप कर लेना है, और इसको ड्रैग करके आपको अपने जो भी एडिटर आप यूज कर रहे हो उसके अंदर ओपन कर लेना है। सो जैसा कि आप देख सकते हो, इसके अंदर जो है एक जनरल स्टाइल यहाँ पर लिखी हुई है style.css में, और main.js में भी कुछ कोड्स है जो कि मैंने बताया जो हम अपने प्रोजेक्ट में यूज करने वाले हैं। इसको मैं वैसे एक्सप्लेन भी कर दूंगा लेटर ऑन। और इंडेक्स में भी आप देख सकते हो, यहाँ पे बेसिक सा जो फॉर्मेट है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, जहाँ पे हमने जो है लोगों को कनेक्ट कर रखा है आइकन, और स्टाइल शीट को लिंक कर रखा है यहाँ पे आप देख सकते हो, और जो हमारा जावास्क्रिप्ट है यहाँ पे जो उसको भी हमने यहाँ पे कनेक्ट कर रखा है, और कुछ बेसिक जो सिंटेक्स है हमारे HTML के हेड टैग में जो होता है वो हमने यहाँ पे डाल रखा है, टाइटल वगैरह। सो अगर मैं इसको अभी आपको रन करके दिखाऊं तो आपको कुछ ये इस तरीके से ब्लैंक दिखने वाला है। यहाँ पे ऊपर टेकी कॉलेज लिखा आ रहा है बस, क्योंकि हमने यहाँ पे अभी फ़िलहाल सिर्फ और सिर्फ जो टाइटल है वही ऐड कर रखा है। सो चलिए दोस्तों सबसे पहले जो है हम अपना पहला सेक्शन जो है वो यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा सेक्शन होने वाला है दोस्तों वो हेडर सेक्शन होने वाला है। सो सबसे पहले अपन हेडर सेक्शन यहाँ पे क्रिएट करेंगे। सो दोस्तों सबसे पहले मैं यहाँ पे एक कमेंट डाल देता हूँ, ठीक है ना, हेडर सेक्शन, ठीक है दोस्तों। बेसिकली हम जो हेडर सेक्शन है दोस्तों उसके अंदर जो हमारा नेवबार है वो आने वाला है, तो यहाँ पर मैं एक हेडर सेक्शन बनाऊँगा, ठीक है, और जो इसकी आईडी रहने वाली है वो भी हेडर रहेगा दोस्तों,
और इस हेडर सेक्शन के अंदर हम एक और कंटेनर बनाएंगे दोस्तों, जिसका मैं नाम दे सकता हूँ हेडर कंटेनर, ठीक है ना दोस्तों। और इस कंटेनर के अंदर ही हम अब जो अपना जो भी लोगो वगैरह है और जो भी हम यहाँ पे शोकेस करना चाहते हैं वो रखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो है अपना लोगो ऐड करेंगे हेडर में। सो उसके लिए IMGSRC और जो हमारा लोगो है, और इसके बाद जो है अगर ऑल टेक्स्ट डालना चाहते हो तो आप डाल सकते हो। और क्लास जो हम देने वाले हैं दोस्तों वो हम दे देंगे यहाँ पे लोगो IMG, ठीक है दोस्तों। और इसको करेंगे क्लोज। और इसको अगर मैं सेव करूं और यहां पे आपको दिखाऊं, जस्ट अ मिनट, ओके लोगो लोड नहीं हो रहा, जस्ट अ मिनट, मैं इसको साइड बाय साइड कर लेता हूं, ठीक है ना। ओके सो इसको मैं अगर कंट्रोल एस करता हूं दोस्तों, यहां पे आप देख सकते हो हमारा जो ऑल टेक्स्ट है वो डिस्प्ले हो रहा है, बट लोगो डिस्प्ले नहीं हो रहा है। ओके जस्ट यहां से डॉट हटाते हैं और कंट्रोल एस करते हैं। सो दोस्तों देख सकते हो यहां पे जो हमारा लोगो है वो अभी लोड हो चुका है दोस्तों, ठीक है ना। कुछ इस तरीके से अभी हमारी जो साइट है वो दिख रही है। सो इसके अंदर हम एक और यहाँ पे काम करने वाले हैं दोस्तों, जस्ट अ मिनट, मैं इसको करता हूँ ओके। सो लोगो तो हमने ऐड कर दिया दोस्तों, उसके बाद एक और हम डेव के अंदर जो है डेव क्लास, और जो क्लास नेम होने वाला है दोस्तों, हम यहाँ पे जो टेक्स्ट है अपने ब्रांड का, जो नाम है कॉलेज का नाम, वो भी हम मेंशन करने वाले हैं और टैगलाइन। सो इसके अंदर हम क्या करेंगे, H1 के अंदर हम जो अपना कॉलेज का नाम है वो डालेंगे दोस्तों, टेकी कॉलेज, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी नाम देना चाहते हो आप दे सकते हो, कोई इशू नहीं है। और यहाँ पे एक पी टैग के अंदर ना दोस्तों टैगलाइन भी ऐड करेंगे, ठीक है ना। सो पी टैग के अंदर हमारा जो टैगलाइन होने वाला है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। सो हम कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पे टेकी कॉलेज और जो हमारा ये टैगलाइन है वो इसके नीचे आ रहे हैं। बाकी इसके बाद हम इसके ऊपर अभी CSS भी हम लगाएंगे दोस्तों। सो ये तो हो गया दोस्तों हमारा लोगो पार्ट। अब हमारा मेन्यू पार्ट भी आता है दोस्तों इसके अंदर। तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ और इसके ऊपर जो है दोस्तों हमें लिंक भी डालना है, तो होम पेज का जो लिंक है वो भी रहने वाला है। सो यहाँ पे मैं एंकर टैग में ना ओके, यहाँ पे अपन जो है क्लास दे देते हैं लोगो, ठीक है। और इस एंकर टैग को हम क्लोज करेंगे जस्ट अ मिनट, IMG हो गया और ये हो गया, यस यहाँ पे क्लोज करेंगे दोस्तों, ताकि जो हमारा ये लोगो है वो पूरे पे आए, टेक्स्ट पे भी और इमेज पे भी, ठीक है ना। और इसके बाद अपन एक काम करेंगे, यहाँ पे एक और डिव क्लास बनाएंगे दोस्तों, और ये जो होने वाला है हमारा मेन्यू बार के लिए बनाएंगे दोस्तों, जो मेन्यू मोबाइल मेन्यू आइकन दिखाएंगे ना उसके लिए है ये। सो इसका आईडी दे देंगे हम अपन स्टमिनट, आईडी दे देंगे हम मोबाइल मेन्यू, ठीक है ना दोस्तों। सो इस टेब के अंदर बेसिकली हमारा कुछ नहीं होने वाला है, जो हमारा जो मेन्यू आइकन है उसके लिए हम थ्री बार्स का यूज करने वाले हैं। सो स्पैन क्लास, और क्लास का नेम दे देंगे हम बार, और कुछ इस तरीके से यहाँ पे क्लोज कर देंगे। और ये हमें टोटल 3 times चाहिए, ठीक है ना। सो सेम मैं ही यूज कर ले रहा हूँ। बाकी इसके बाद जो है ना दोस्तों, उसके बाद हम जो है अपना मेन जो नेव बार है वो क्रिएट करेंगे दोस्तों। सो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अपने को एक अनऑर्डर्ड लिस्ट चाहिए दोस्तों, ठीक है ना। और UL क्लास का जो नाम है हम दे सकते हैं नेव मेन्यू, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे मैं इसको क्लोज करता हूँ। और अगर आपको यहाँ पे आपको लिस्ट डालना पड़ेगा जो भी आप मेन्यू के अंदर यूज करना चाहते हो, सो हम जो है कुछ यहाँ पे ए टैग के अंदर HERF, सबसे पहले हमारा अबाउट था और
तो इसको हम क्लोज करेंगे और ये होने वाला है हमारा अबाउट अस। सो इसी तरीके से हमें कई सारी मेन्यूज चाहिए दोस्तों, तो हम यहाँ पे जो है इसको मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ और इन सब को हम चेंज कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे अबाउट की जगह हमें तो ये कुछ सेक्शंस है दोस्तों जो कि हम क्रिएट करने वाले हैं अपनी वेबसाइट्स पे, और यहाँ पे हमने जो है वो मेन्यू लिस्ट में डाल दिया है। एक हमारा अबाउट, एडमिशंस, एकेडमिक्स, डिपार्टमेंट्स, कैंपस लाइफ और कॉन्टैक्ट सेक्शन होने वाला है। सो अगर मैं आपको सेव करके अभी दिखाऊँ तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो हमारा नीचे मेन्यू बार है वो विजिबल है दोस्तों, ठीक है ना। और दोस्तों एक काम और करेंगे दोस्तों, इन सबको ना हम एक नैव कंटेनर में डालेंगे, ठीक है ना। इसको जो है इन सबको हम नैव कंटेनर में डालेंगे क्योंकि ये हमारा नैव बार है। सो इसको हम अपने नैव क्लास और यहाँ पे हम दे देंगे नैव बार, ठीक है ना दोस्तों। और इस नैव को हम जो है वो इसके बाद क्लोज करने वाले हैं, जो हेडर हमारा कंटेनर है। ओके ये रहा, सो यहाँ पे हम क्लोज करेंगे, ठीक है दोस्तों। सो ये हमारा सारा नैव के अंदर हो गया। अब हम इसके ऊपर जो है अब सी एस एस अप्लाई करेंगे दोस्तों, ठीक है ना। सो अपन जो है अब सी एस एस अप्लाई करते हैं दोस्तों, और यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो अपने को सबसे पहले जो है वो हेडर के ऊपर जो हम सी एस एस अप्लाई करेंगे। सो यहाँ पे मैं एक कमेंट डाल देता हूँ सबसे पहले। ओके इसी को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम हेडर स्टाइलिंग, ठीक है दोस्तों। सो हेडर पार्ट का हमारा जो सी एस एस है वो यहाँ पे होने वाला है। सो सबसे पहले तो जो है हम अपने जो हेडर है उसको जस्ट अ मिनट हेडर, और यहाँ पे हम जो है सबसे पहले जो इसका बैकग्राउंड है वो हम अलग कर लेते हैं, ठीक है ना। सो बैकग्राउंड में मैं एक जो लीनियर ग्रेडियंट यूज करने वाला हूँ दोस्तों, यहाँ पे अपन 90। सो यहाँ पे अपन कलर कोड पास करेंगे दोस्तों, जो हम अपना कलर कोड है हमारा वो हम पास करेंगे यहाँ पे, ठीक है दोस्तों, कॉमा। और एक और जो हमारा कलर कोड होने वाला है ठीक है दोस्तों, अगर मैं इसको कंट्रोल एस करूँ तो आप देख सकते हो जो हमारा ग्रेडियंट है वो अप्लाई हो चुका है दोस्तों। ओके सो ये हो गया ग्रेडियंट, और जो टेक्स्ट का कलर है वो अपन चेंज करेंगे दोस्तों वाइट में, ठीक है ना। सो ये हमारा टेक्स्ट का कलर हो जाएगा, और पैडिंग जो है हम इसके अंदर npx और 0 ये पैडिंग यूज करेंगे दोस्तों। और जो पोजीशन है वो हमारा हेडर जो है वो स्टिकी रहने वाला है, सो पोजीशन को हम स्टिकी पे सेट कर देंगे, ठीक है दोस्तों। और जो टॉप है हमारा वो 0 पे सेट करेंगे ताकि स्टिकी है वो रहे हमारा। और इसके बाद जस्ट हम अपने आते हैं हेडर कंटेनर पे, आप देख सकते हो यहाँ पे। सो इसके ऊपर अपन सी एस एस लगाएंगे, ठीक है दोस्तों। सो हेडर कंटेनर पे हम सी एस एस लगाते हैं सबसे पहले, और जो डिस्प्ले टाइप है उसको अपन फ्लैक्स पे सेट करेंगे, ठीक है दोस्तों। और आप देख सकते हो जो चेंजेस है आपको यहाँ साइड बाई साइड दिखता रहेगा। सो डिस्प्ले हम फ्लैक्स पर सेट करेंगे, और जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, और इसके बाद जो है अलाइन आइटम भी हम सेंटर में करेंगे दोस्तों, और विड्थ है उसको हम 90% पर सेट करेंगे, मार्जिन हमारा फोटो रहने वाला है, ठीक है दोस्तों। और इसके बाद आ जाता है हमारा, देख सकते हो आप जो लोगों का साइज है वो काफ़ी बहुत बड़ा आ रहा है, सो उसको भी अपन फिक्स करेंगे। सो डॉट लोगो और IMG, और यहाँ पे हम जो है मैक्स विड्थ दे देंगे दोस्तों, कि 50px से ज़्यादा नहीं होना चाहिए ताकि जो हमारा लोगो है वो छोटा दिखे। आप देख सकते हो अब लोगो फिक्स हो चुका है हमारे हेडर में,
और हाइट को अपन ऑटो पे सेट कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। और मार्जिन राइट दे देंगे हम इसके अंदर 10 पिक्सल, ठीक है दोस्तों। और जो लोगों के अंदर अपन एक और CSS लगाएंगे लोगों के ऊपर, सो यहाँ पे अपन डिस्प्ले इसको भी हम फ्लैक्स रखने वाले हैं, ठीक है दोस्तों, ताकि ये इनलाइन दिखे। और यहाँ पे जो हाइट है दोस्तों उसको भी, सॉरी, डिस्प्ले को फ्लैक्स रखेंगे, और उसके बाद जो अलाइन आइटम्स है उसको हम सेंटर पे करेंगे दोस्तों, ठीक है, ताकि जो ये हमारा स्ट्रेच होके दिख रहा है वो सही से सीधा आप देख सकते हो। यहाँ पे ये साइज जो है वो फिक्स हो गया है। और टेक्स्ट का जो डेकोरेशन है उसको अपन नन करेंगे, आप देख सकते हो अंडरलाइन आ रहा है, सो उसको हम हटा देंगे। और जो हमारा कलर है टेक्स्ट का उसको भी अपन, सॉरी, कलर को हम वाइट पे सेट करने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। सो ये हो गया। और इसके बाद जो हमारा जो लोगो टेक्स्ट है ना दोस्तों, उसके ऊपर भी अपन को CSS लगाना पड़ेगा, जो ये वाला टेक्स्ट है इसमें देख सकते हो स्पेसिंग काफ़ी ज़्यादा आ रही है। सो मैं इसके क्लास को पकड़ता हूँ और यहाँ पे जाता हूँ, और यहाँ पे मैं लोगो टेक्स्ट पे जो है फिर से मैं डिस्प्ले जो है डिस्प्ले का जो टाइप है उसको अपन फ्लैक्स पे करते हैं सेट, ठीक है दोस्तों। और जो फ्लैक्स का डायरेक्शन है इसके अंदर, ये इनलाइन आ गया तो इसको हम अपन इसके नीचे ही रखना है, तो जो फ्लैक्स डायरेक्शन है उसको हम कॉलम पे सेट कर देंगे, ठीक है दोस्तों। इसे इसके नीचे आ गया, आप देख सकते हो। और जो कंटेंट है उसको सेंटर में करने के लिए जस्टिफाई कंटेंट प्रॉपर्टी का यूज करेंगे और उसको हम सेंटर में कर देंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जो है हमारा H1 टैग हमने इसके अंदर यूज किया है, आप देख सकते हो, ठीक है ना। तो एक काम हम कर सकते हैं, यहाँ पे जो लोगो टेक्स्ट है इसके अंदर हम H1 पे सेपरेटली हम CSS लगा देते हैं कि मार्जिन इसको हम 0 पे सेट कर देते हैं, ठीक है। मार्जिन 0 पे सेट कर दिया हमने, देख सकते हो यहाँ से स्पेसिंग जो है वो अब कम हो गई है। और जो इसका फॉन्ट साइज है ना उसको अपन 24 पिक्सल पे सेट करेंगे। और जो फॉन्ट का वेट है, जो फॉन्ट वेट है वो अपन बोल्ड पे सेट कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। और इसके बाद जो हमारा ये टैगलाइन है हम पी पे भी यूज कर सकते हैं, बट हमने यहाँ पे क्लास नेम दिया हुआ है तो हम सीधा टैगलाइन क्लास पे यूज कर लेते हैं। सो डॉट टैगलाइन पे हम यहाँ पे जो मार्जिन है इसका वो भी हम 0 पे सेट करेंगे दोस्तों। और आप देख सकते हो जो ये आपस में काफ़ी करीब आ चुके हैं। सो इसका जो फॉन्ट साइज है वो भी अपन फिक्स करेंगे। सो फॉन्ट साइज यहाँ पे हम 14 पिक्सल देने वाले हैं, ठीक है, ताकि ये थोड़ा और अच्छा दिखे। और जो कलर है वो थोड़ा सा अगर चाहें तो हम इसको बदल सकते हैं। सो अगर मैं इसका जो कलर है वो हैश और ठीक है कुछ इस तरीके से दे देते हैं। और जो ओपेसिटी है इसका, ओपेसिटी को अपन जो है एक काम करते हैं 0.8 पे सेट कर देते हैं, ठीक है ना। सो अब देख सकते हो ये काफ़ी बेहतर दिख रहा है दोस्तों, ठीक है ना। अब इसके बाद अपन बात कर लेते हैं जो हमारा नैव मेन्यू है ना, यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, सो अगर हम यहाँ पे जो ये नैव मेन्यू यूज कर रहे हैं, सो इसके ऊपर अपन CSS यूज करेंगे दोस्तों। सो डॉट नैव मेन्यू जो हमारा ये मेन्यू आ रहा है इसके लिए आप CSS यूज कर रहे हैं। सो सबसे पहले तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो डॉट आ रहा है इसको अपन हटाते हैं। सो लिस्ट का जो स्टाइल है वो नन पे हम सेलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। और जो डिस्प्ले है उसको हम फ्लैक्स पे सेट करते हैं ताकि ये इनलाइन दिखे, ठीक है ना। सो डिस्प्ले हमारा फ्लैक्स हो जाएगा और मार्जिन को अपन 0 पे सेट कर देंगे, ठीक है दोस्तों। और जो पैडिंग टॉप है उसको अपन 10 पिक्सल पे सेट करेंगे दोस्तों। और जो पैडिंग लेफ्ट है ना उसको अपन 0 पे सेट करेंगे, ठीक है दोस्तों। और अभी देख सकते हो फिलहाल कुछ इस तरीके से दिख रहा है ये, ओके, देख सकते हो हमारा जो नैव बार है वो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। सो ये हो गया। इसके बाद जो अपन LI टैग है नैव मेन्यू पे उसके ऊपर हम CSS अप्लाई करेंगे, ओके।
यहाँ पे अपन एलआई टैग के ऊपर सीएसएस अप्लाई करेंगे दोस्तों, और यहाँ पे मार्जिन जो है अपन 0 और 15 पिक्सल दे देंगे। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हो ये जो इनके बीच में स्पेसिंग आ चुकी है, काफ़ी बेहतर दिख रहा है दोस्तों। ठीक है, और एक काम और करते हैं, जो इसका कलर है वो अपन चेंज करते हैं। इसका कलर इसलिए चेंज नहीं हुआ है क्योंकि वो AHERF के अंदर है, तो एंकर पे अपने को कलर जो है वो चेंज करना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है ना, सो एंकर पे जाएंगे और यहाँ पे अपन जो है सबसे पहले तो एक काम करता हूँ मैं, जो अंडरलाइन है उसको हटा देता हूँ, उसको हम नन पे सेट कर देते हैं, और जो कलर है दोस्तों उसको भी अपन वाइट पे सेट कर देते हैं। ठीक है, सो ये हो गया। और अगर चाहें तो इसको होवर इफेक्ट पे भी हम जो है कुछ, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे अपन होवर इफेक्ट भी डाल देते हैं। ठीक है, और होवर इफेक्ट में टेक्स्ट का डेकोरेशन हम अंडरलाइन कर देते हैं, ताकि जब हम इसके ऊपर होवर करें तो ये इसके ऊपर अंडरलाइन आ जाए। और यहाँ पे जो फ़ॉन्ट का वेट है ना वो भी हम इंक्रीज कर देते हैं दोस्तों। ठीक है, ओके। सो अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ, आप देखो कुछ इस तरीके से इफेक्ट आएगा इसके ऊपर, आप देख सकते हो। ठीक है ना, ये हो गया। और अभी भी हमारा जो मोबाइल मेन्यू है वो रेडी नहीं है दोस्तों, तो मोबाइल मेन्यू के लिए अपन ने यहाँ पे देख सकते हो मेन्यू टॉगल यूज किया था, ये वाली जो चीज़ है। सो अपन मेन्यू टॉगल पे भी सीएसएस लगाएंगे दोस्तों। ओके, सो जो मेन्यू टॉगल है वो इनिशियली डिस्प्ले नन रहने वाला है दोस्तों, सो इसको हम डिस्प्ले नन कर देते हैं, क्योंकि मोबाइल मेन्यू बिना मोबाइल आइकन पे क्लिक किए हुए नहीं दिखना चाहिए। सो इनिशियली ये हमारा नन रहेगा, और जो फ्लैक्स का डायरेक्शन रहेगा मोबाइल पे, क्योंकि हम कॉलम में दिखाने वाले हैं, मतलब नीचे हम ड्रॉप डाउन में दिखाने वाले हैं, तो हम इसको कॉलम पे सेट कर देते हैं और कर्सर को हम पॉइंटर पे सेट करते हैं। ठीक है, अब अपन जो है यहाँ पे जो मेन्यू बार है हमारा, उसके ऊपर हम सीएसएस लगाते हैं, जो ये हमारा बार है दोस्तों। सो एक काम करते हैं, जस्ट अ मिनट, मेन्यू टॉगल और यहाँ पे डॉट बार, सो इसके ऊपर हम जो इसका हाइट है वो दे देते हैं 4 पिक्सल, और विड्थ 25। ठीक है दोस्तों, और इसके अंदर और रहने वाला है हमारा बैकग्राउंड कलर। सो बैकग्राउंड हम इसका वाइट दे देते हैं, क्योंकि जो आइकन है वो हमें वाइट में ही चाहिए। ठीक है दोस्तों, और जो मार्जिन है ना उसको अपन 3 पिक्सल के साथ साथ 0, सो मार्जिन पे सेट कर देते हैं। और ट्रांजिशन भी देना चाहें तो हम दे सकते हैं 0.3s। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद हम जो रिस्पॉन्सिव क्वेरी है वो लिखेंगे दोस्तों, सो एट द रेट मीडिया, और जो मैक्स विड्थ यहाँ पे यूज करने वाले हैं हम वो हम 768 पिक्सल यूज करेंगे। और इसके बाद जो है इसके अंदर जो हमारा नेव मेन्यू होने वाला है, उसकी जो फ्लैक्स की डायरेक्शन है वो हम कॉलम पे सेट करेंगे। ठीक है ना, ताकि जो हमारा मोबाइल पे है वो कुछ इस तरीके से दिखे। सो अगर मैं आपको यहाँ दिखाऊँ तो देख सकते हो यहाँ पे अभी ऐसा दिख रहा है, और इसमें लिस्ट व्यू में दिख रहा है। ओके, इसको हेडर के नीचे लेके आना है अपने को। ठीक है, कोई इशू नहीं है। सो सबसे पहले इनिशियली तो ये डिस्प्ले नन होना चाहिए, क्योंकि अपने को दिखाना नहीं है इसको जब तक कि मेन्यू पे क्लिक ना करें। ठीक है, सो यहाँ पे ये दिखेगा नहीं। ओके, डिस्प्ले नन कर दिया हमने, और जो पोजीशन है इसकी वो एब्सोल्यूट पे सेट कर देते हैं। ठीक है, और इसके बाद जो टॉप है उसको अपन 100% पे सेट करेंगे। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे सबसे पहले जो अपना टॉगल वाला आइकन है उसको ले आते हैं। सो एक काम करता हूँ, डॉट मेन्यू टॉगल और जो डिस्प्ले फ्लैक्स,
ठीक है दोस्तों। सो यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारा ये मेन्यू आइकन है वो यहाँ पे आ चुका है। सो अब अपन इसके ऊपर क्लिक करते हैं और टॉप इसको हमने सेट कर दिया 100 पे और लेफ्ट हम सेट कर देंगे इसको 0। हम लेफ्ट अलाइंड ही दिखाना चाह रहे हैं। और उसके बाद जो बैकग्राउंड है उसको भी अपन सेट कर सकते हैं। सो बैकग्राउंड जो है हमारा हल्का सा ट्रांसपेरेंट हम सेम कलर का रखने वाले हैं। सो RGB ये कलर कोड यूज कर लेते हैं यहाँ पे। सो रेड हमारा 0 रहने वाला है और ग्रीन 114, 255 एंड अल्फा हमारा 0.9 पे रहने वाला है, ठीक है दोस्तों। और जो विड्थ है उसको अपन 100% पे सेट करेंगे और जेड इंडेक्स को भी अपन जेड इंडेक्स 100 पर सेट कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। सो अगर मैं आपको यहाँ पे अपने को एक और क्लास ऐड करनी पड़ेगी क्योंकि हमने यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊँ ना तो जो JS फाइल है हमारी यहाँ पे जब भी अपन आपको मैं दिखाऊँ यहाँ पे आप देखो जब भी ये जो मोबाइल मेन्यू है दोस्तों जो टॉगल वाला हमारी ID है उस पर जब भी हम क्लिक करेंगे तो नैव मेन्यू के अंदर यहाँ पे देख सकते हो जो JavaScript फाइल है छोटी सी वो जो है वो एक क्लास एक्टिव ऐड कर रहा है। सो अपने को यहाँ पे सेम जब एक्टिव रहे तब तो हमें जो नैव बार है उसको दिखाना है, अदरवाइज जो है उसे नहीं दिखाना है। सो इसलिए अपने को यहाँ पे एक क्लास जो है वो हमें ऐड करनी पड़ेगी एक्टिव डॉट एक्टिव पे स्पेसिफिकली, सो दैट जो हमारा मोबाइल मेन्यू है वो दिखे जब भी वो क्लिक हो। सो दोस्तों अगर मैं यहाँ पे आपको इंस्पेक्ट करके आप दिखाऊं तो यहाँ पे आप देखो जब भी मैं मेन्यू बार पे जो आइकन है हमारा उस पर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे आप देखो जो ये एक्टिव वाला ऑप्शन है जो हमने JavaScript वहाँ पे लिख रखा है उसकी वजह से क्या हो रहा है, जब भी उसको हम टॉगल क्लिक कर रहे हैं तो एक बार क्लिक पे एक्टिव ऐड हो रहा है और वापस से क्लिक कर रहे हैं तो वो हट रहा है। बेसिकली ये टॉगल काम कर रहा है हमारे JavaScript से। तो यहाँ पे अपने को क्या करना पड़ेगा, जो जब भी वो एक्टिव है ना, जब एक्टिव क्लास है तो अपने को यहाँ पे जो हमारा फ्लैक्स है उसको डिस्प्ले करना पड़ेगा। सो जो डिस्प्ले टाइप है बेसिकली उसको फ्लैक्स करना पड़ेगा। तो जैसे ही हम जो इसका डिस्प्ले टाइप है डॉट एक्टिव पे फ्लैक्स करेंगे तो जो हमारा मेन्यू बार है मोबाइल मेन्यू बार वो दिख जाएगा, आप देख सकते हो इस तरीके से। और जब भी हम वापस से क्लिक करेंगे तो वो डॉट एक्टिव हट जाएगा। और वापस क्लिक करने से इसलिए हट रहा है दोस्तों क्योंकि जो एक्टिव क्लास है वो वापस से यहाँ पे हमने JS की मदद से उसको हटा दिया है। सो इस तरीके से जो है जो ये हमारा छोटा सा ये जो देख सकते हो JS कोड है वो हमारे जो एक्टिव को अपेंड कर रहा है नैप मेन्यू के अंदर। सो ये बेसिकली इस तरीके से वर्क कर रहा है। तो इसके बाद जो है अपने को इसको थोड़ा सा और अच्छा करना पड़ेगा। सो इसके लिए क्या करते हैं, थोड़ा CSS इसके ऊपर और यूज करेंगे हम। जस्ट अ मिनट, मैं इसको इधर कर लेता हूँ और इसको क्लोज करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे सबसे पहले अपन जो है वो पैडिंग दे देते हैं क्योंकि काफ़ी जो है वो यहाँ पे ये काफ़ी चिपके चिपके से आ रहे हैं दोस्तों। तो सबसे पहले जो है हम एक काम करते हैं, पैडिंग टॉप दे देते हैं इसके अंदर 10 पिक्सल का, ठीक है ना दोस्तों। तो पैडिंग टॉप हो गया और उसके बाद जो है हमारा जो लिस्ट आइटम है उसके ऊपर जो है हम थोड़ी सी CSS यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं ताकि जो स्पेसिंग है वो सही से दिखने लग जाए हमें। यहाँ पे अपन LI के अंदर जो है पैडिंग डाल देते हैं दोस्तों और पैडिंग हमारा होने वाला है 10 पिक्सल। सो आप देख सकते हो यहाँ पे अब स्पेसिंग आ चुकी है। और यहाँ पे एक काम और करते हैं, बॉर्डर। सो इसको और बेहतर बनाने के लिए हम बॉर्डर बॉटम इसको यूज कर लेते हैं और यहाँ पे हम एक लाइनिंग दे देते हैं सॉलिड और जो कलर रहने वाला है वो हमारा FF रहने वाला है। सो कुछ इस तरीके की हम लाइनिंग इसके अंडरलाइन कर देते हैं दोस्तों। सो अब देख सकते हो दोस्तों काफ़ी बेहतर लग रहा है ये, आप देख सकते हो, ठीक है ना।
और ये यहाँ पे जो है कुछ इस तरीके से हमारा मोबाइल पे मेन्यू बार जो है हमारा दिख रहा है, और डेस्कटॉप पे कुछ इस तरीके से दिख रहा है। तो दोस्तों आप देख सकते हो जो हमने जो अपना नेव बार है, हेडर सेक्शन, वो कंप्लीट कर लिया है। अब बढ़ेंगे हम अपने नेक्स्ट सेक्शन की ओर। तो दोस्तों जो अगला सेक्शन है हमारा वो है स्लाइडर सेक्शन। तो फटाफट से मैं कमेंट डाल देता हूँ यहाँ पे, स्लाइडर सेक्शन, ठीक है जी। और स्लाइडर सेक्शन के अंदर भी हम बेसिकली एक सेक्शन बनाएंगे दोस्तों, और सेक्शन का जो क्लास है उस क्लास का नाम दे देंगे हम स्लाइडर सेक्शन। इसके बाद इस सेक्शन के अंदर हम एक कंटेनर बनाएंगे दोस्तों, जिसका नाम होने वाला है स्लाइडर कंटेनर। स्लाइडर और कंटेनर, ठीक है दोस्तों। और इसके अंदर हमारा जो स्लाइड कंटेंट रहेगा वो रहने वाला है। सबसे पहले हम फर्स्ट स्लाइड के लिए डेटा लिख लेते हैं। तो उसको हम फर्स्ट स्लाइड को एक और डेव बना लेता हूँ मैं, डेव क्लास और स्लाइड, ठीक है दोस्तों। स्लाइड्स के अंदर हम अपने सारे स्लाइड्स को रखेंगे, और इसके अंदर एक और बनाते हैं डेव क्लास स्लाइड, ठीक है ना दोस्तों। जो सिंगल वाला स्लाइड है इसके अंदर जो एक स्लाइड का डेटा रहेगा, जो भी हम इमेज यूज करेंगे और टेक्स्ट यूज करेंगे, और जो टोटल स्लाइड्स वाला रहेगा ये नंबर ऑफ जो स्लाइड क्लासेस हैं वो इस स्लाइड्स के क्लास में रैप रहेगा दोस्तों, ठीक है। इसके बाद अपन यहाँ पे फर्स्ट स्लाइड के अंदर सबसे पहले तो IMG और SRC, और यहाँ पे हम एसेट्स में से स्लाइड वन का डेटा ले लेंगे, ठीक है। और अगर चाहें तो हम इसका जो ऑल्ट टेक्स्ट है वो भी सेट कर सकते हैं। इसका हमारा कौन सा इमेज है देख लेते हैं एक बारी, जस्ट अ मिनट, स्लाइड वन, ओके, सेट ऑफ। तो इसको डाल देता हूँ मैं कैंपस लाइफ, ठीक है दोस्तों। और इसके अंदर बेसिकली हम कुछ एक टेक्स्ट हेडिंग और लिंक रखने वाले हैं बटन। तो इसके अंदर मैं एक और डेव क्लास यूज कर लेता हूँ, डेव, और क्लास का नाम दे देंगे हम स्लाइड कंटेंट। स्लाइड कंटेंट के अंदर बेसिकली हमारा एक तो H2 में हम अपना हेडिंग रख लेते हैं दोस्तों। हेडिंग के अंदर हम डाल देते हैं वेलकम टू आवर कॉलेज, ठीक है दोस्तों। और ये हो गया H2। और इसके बाद जो है अपन इसके अंदर, और मैं इसको एक काम करता हूँ साइड बाय साइड कर देता हूँ ताकि आपको भी दिखता रहे, ठीक है ना। यहाँ पे हमने कर लिया है वेलकम टू कॉलेज, और इसको सेव करते हैं, ठीक है ना। और एक बार इसको जो है अपन दोबारा से स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों, ताकि जो हमारा स्लाइडर है वो दिखने लग जाए। आप देख सकते हो यहाँ पे जो हमारा स्लाइड का जो इमेज है वो यहाँ पे आ चुका है, आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से आ रहा है अभी फिलहाल, ठीक है ना, कोई इशू नहीं है, अपन इसको फिक्स करेंगे। यहाँ पे वेलकम टू कॉलेज हो गया, और इसके बाद जो है इसके अंदर हम एक HERF टैग डालेंगे दोस्तों, ठीक है। और ये जो हमारा एडमिशन वाला जो हम एडमिशंस और जो किसका क्लास है वो हम दे देंगे बटन AWPLY अप्लाई, एंड इसका जो नाम होने वाला है वो अप्लाई नाउ का दे देंगे, ठीक है दोस्तों। इसी तरीके से दोस्तों इसके अंदर हम दो स्लाइड और ऐड कर लेते हैं, टोटल 3 स्लाइड्स हो जाएगा। जस्ट इसको जो है अपन देख सकते हो, आप जो ये स्लाइड वाला कंटेंट है ना, इतने को हम कॉपी करेंगे, ठीक है। और इसको जो है अपन 3 टाइम्स यूज कर लेंगे, ये स्लाइड 2 और ये स्लाइड 3,
और कंटेंट को हम चेंज कर देंगे दोस्तों यहाँ पे अकॉर्डिंगली, ठीक है। और यहाँ पे मैं फटाफट से इसमें चेंजेज कर देता हूँ दोस्तों। दोस्तों मैंने इसमें 3 स्लाइडर का कंटेंट ऐड कर दिया। अगर मैं इसको अभी कंट्रोल एस करूं और चेकआउट करते हैं अगर हम, कि हमारा पेज कैसा दिख रहा है, तो आप देख सकते हो अभी जो है हमारा पेज कुछ इस तरीके से इसमें ब्लैंक दिख रहा है सीएसएस की वजह से, क्योंकि आप देख सकते हो ये जो हमारे इमेजेस है ये यहाँ पर शो हो रहा है। अभी तक हमने सीएसएस ऐड नहीं किया है, और ये स्लाइडर इसलिए काम कर रहा है दोस्तों क्योंकि जो हमारा जावा स्क्रिप्ट है इसके ऊपर वो काम कर रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पर जो हमने स्लाइड के लिए जो जावास्क्रिप्ट लिख रखा है, इसके अंदर जो कोड है वो इसकी वजह से काम कर रहा है, ठीक है ना दोस्तों। सो दोस्तों इस जो जावास्क्रिप्ट कोड है मैंने सिमिलर ही जो लास्ट वीडियो में मैंने यूज किया था वो सेम मैंने स्लाइड के लिए यूज किया है। जावास्क्रिप्ट में मैंने कोई भी चेंजेज नहीं किया है, जो भी चेंजेज किया है वो सीएसएस में किया है, वो मैं अभी आगे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो वैसे ये काफ़ी सिंपल जावास्क्रिप्ट कोड है, फिर भी अगर आपको कुछ समझने में इशू हो रही है तो आप प्लेलिस्ट में से जो स्लाइड वाला पार्ट है वो प्रीवियस वीडियोज में देख सकते हो, आपको मिल जाएगा दोस्तों। जो भी हमने रेस्टोरेंट वाला हमने जो बनाया था प्रीवियस वीडियो में, आप सर्च करोगे मेरे चैनल पे तो आपको वो मिल जाएगा। सो आप स्लाइडर सेक्शन को आप एक्सप्लोर कर सकते हो, जिसमें मैंने उसमें जेएस पार्ट भी कवर किया है। फिलहाल आप इस कोड को देख सकते हो, ये कुछ कोड इसमें यूज किया हुआ है, ठीक है ना दोस्तों। अब आते हैं हम सीएसएस पे। सो सीएसएस पार्ट में जो चेंजेज है स्लाइडर के ऊपर, ओके, सो स्लाइडर सेक्शन के लिए अपन सीएसएस अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। सो मैं सबसे पहले कमेंट डाल देता हूँ यहाँ पे, स्लाइडर स्टाइलिंग, ठीक है। और अपन जो है यहाँ पे अब जो स्लाइडर के लिए जो सीएसएस है वो लिखना स्टार्ट करेंगे दोस्तों, ठीक है। सो सबसे पहले तो दोस्तों जस्ट अ मिनट, मैं इसको यहाँ कर लेता हूँ ताकि ये दिखता रहे, ठीक है। सो स्लाइडर जो सेक्शन है सबसे पहले तो इसी के ऊपर जो है हम लगाएंगे, ठीक है। सो पोजीशन रहने वाली है हमारी रिलेटिव दोस्तों, ठीक है। और जो मैक्स विड्थ होने वाला है वो हमारा 100% रहने वाला है दोस्तों, ठीक है। और ओवरफ्लो को करेंगे हम हिडन, और इसके बाद जो है अपन जस्ट अ मिनट, यहाँ पे हमने स्लाइडर कंटेनर यूज किया है दोस्तों, आप देख सकते हो। सो इस स्लाइडर कंटेनर पे अपन सीएसएस लगाएंगे दोस्तों, ठीक है। सो स्लाइडर कंटेनर का भी जो पोजीशन है दोस्तों अपन वो रिलेटिव ही रखेंगे, और विड्थ को 100% पे सेट करेंगे दोस्तों, ठीक है। और हाइट को अपन यहाँ पे एडजस्ट करेंगे, हाइट हम कर लेते हैं 80 VH, ठीक है। आप देख सकते हो ये हाइट थोड़ी अब छोटी हो चुकी है यहाँ पे, आप देख सकते हो, ठीक है ना। सो हाइट हो गया, और इसके बाद इसको जो डिस्प्ले टाइप है ना उसको भी अपन फ्लैक्स पे सेट करेंगे, ठीक है दोस्तों। और इसके बाद जो जस्टिफाई कंटेंट है उसको हम सेंटर पे सेट कर देंगे, और इसके बाद अलाइन आइटम्स सेंटर, और ओवरफ्लो को हम हिडन पे सेट कर देंगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और इसके बाद जो हमारा स्लाइड्स वाला पार्ट है इसके ऊपर अपन सिस लगाएंगे, ठीक है। स्लाइड्स जो डिस्प्ले टाइप होगा वो फ्लैक्स रहने वाला है, ठीक है। सो इस पे हम ट्रांजिशन भी सेट कर देते हैं दोस्तों, जस्ट अ मिनट, ठीक है। और विड्थ को अपन, क्योंकि हमने 3 स्लाइडर यूज किया है तो इसको हम 300% पे सेट करेंगे, ताकि जो ये हमारा स्लाइडर है वो सही से काम कर सके। सो अभी अगर आपको दिखाऊं तो अभी डेस्कटॉप पे देख सकते हो कुछ इस तरीके से दिख रहा है, ठीक है ना। और जो मोबाइल फ़ोन है उस पर कुछ ऐसा दिख रहा है, अभी हमारा जो बटन वगैरह है वो नहीं दिख रहा है, कोई इशू नहीं है। सो अब पर्टिकुलर स्लाइड पे भी हम सीएसएस लगाते हैं दोस्तों। सो
स्लाइड, जो ईच स्लाइड है ना उसके ऊपर हम लगाएंगे। सो सबसे पहले तो जो इसका मेन विड्थ है दोस्तों, उसको 100% पे सेट कर देते हैं ताकि ये इमेज जो है वो पूरी दिखे, ठीक है। और जो हाइट है पर्टिकुलर स्लाइड की, वो भी इमेज जो है वो पूरी दिखनी चाहिए, तो मैं 100 VH पे सेट कर देता हूँ इसको, ठीक है। और जो पोजीशन है वो हमारी रिलेटिव ही रहने वाली है दोस्तों, ठीक है। और जो स्लाइड इमेज है ना, उसको भी अपन इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा CSS लगा देंगे। विड्थ को जो है वो 100% पे सेट कर देते हैं और हाइट भी अपन 100% पे सेट कर देते हैं दोस्तों। और जो इसका ऑब्जेक्ट फिट है ना, उसको कवर सेट कर देते हैं एज अ कवर, सो दैट इमेज जो है वो अच्छी से एडजस्ट हो जाए, आप देख सकते हो, ठीक है ना। अभी देख सकते हो जो हमारा जो स्लाइडर है वो काफ़ी हद तक रेडी है, आप देख सकते हो यहाँ पे। बस अभी हमें बटन्स वगैरह नेक्स्ट का ऐड करना है, स्लाइडर हमारा काम कर रहा है, ठीक है। और इसके बाद जो है अपन जो कंटेंट है इसके ऊपर, आपको मैं अगर दिखाऊं तो हमने इसके अंदर जो ये स्लाइड कंटेंट का यूज किया है ना, इसके ऊपर हम CSS लगाते हैं ताकि जो ये हमारा स्लाइड कंटेंट है वो विजिबल हो सके। सो स्लाइड कंटेंट की जो पोजीशन है वो एब्सोल्यूट रखेंगे दोस्तों, एब्सोल्यूट पे सेट करेंगे। और जो टॉप से इसको, क्योंकि हमें ये सेंटर में दिखाना है ना, तो टॉप 50% ले लेता हूँ मैं, ठीक है। आप देख सकते हो ये सेंटर में यहाँ पे आ गया है, बट ये अभी लेफ्ट अलाइंड है। सो एक काम और करेंगे, लेफ्ट से भी इसको 50% पैडिंग दे देंगे, लेफ्ट से भी हम 50% कर देते हैं इसको। सो आप देख सकते हो अब ये यहाँ पे सेंटर में आ चुका है। और एक काम करेंगे, जो इसका इसके अंदर जो एक प्रॉपर्टी है ट्रांसफॉर्म की, वो लगाते हैं ट्रांसलेट, और यहाँ पे -50% -50%। अब जो है ये सेंटर में आ जाएगा दोस्तों, आप देख सकते हो, ठीक है ना, ये हो गया। अब इसके बाद जो इसकी अलाइनमेंट है ना, वो अब देखो सही नहीं है, तो टेक्स्ट की जो अलाइनमेंट है वो हम सेंटर में कर देंगे। अब देख सकते हो ये पूरी तरीके से जो है हमारा सेंटर में आ चुका है, ठीक है। और इसका कलर हम वाइट पे सेट कर देते हैं, ठीक है, ओके, कलर वाइट हो गया। और जो H2 है ना, सेपरेटली हम एक काम करते हैं, इसको और बेहतर दिखाने के लिए क्या करेंगे हम, इस पे H2 के ऊपर हम जो फॉन्ट साइज है इसका वो इंक्रीज कर देते हैं, 36 पिक्सल पे कर देते हैं, ठीक है। और मार्जिन बॉटम कर देते हैं हम इसका 20 पिक्सल, ठीक है दोस्तों। और जो टेक्स्ट का शैडो है, टेक्स्ट के शैडो को अपन सेट करेंगे 2 पिक्सल 2 पिक्सल एंड 4 पिक्सल। और कलर ले लेते हैं हम यहाँ पे RGBA। सो जो टेक्स्ट का शैडो है वो हम ये डाल देते हैं ताकि ये जो टेक्स्ट है हमारा बढ़िया दिखे, आप देख सकते हो अब काफ़ी ग्लो कर रहा है ये और अच्छे से हम देख पा रहे हैं अपने टेक्स्ट को। सो ये तो हो गया। और जो ये अप्लाई वाला बटन है, अपन को इसके ऊपर भी CSS लगाना पड़ेगा, तो इसका जो हमने यूज किया है वो बटन अप्लाई, सो इसके ऊपर भी हम CSS लगाते हैं सेपरेटली, ओके। सबसे पहले तो इसके अंदर मैं पैडिंग ऐड करूँगा, ठीक है दोस्तों। और इसके बाद जो इसका बैकग्राउंड है ना, बैकग्राउंड अपन इसका कोई भी कलर का यूज कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पर ग्रेडियंट भी यूज कर सकते हो, मर्जी है आपकी। और जो कलर है दोस्तों, उसको हम वाइट यूज करने वाले हैं, ठीक है, आप देख सकते हो। और टेक्स्ट का जो डेकोरेशन है वो नन पे सेट कर देते हैं ताकि अंडरलाइन हट जाए। और फॉन्ट का जो साइज़ है वो भी अपन 18 पिक्सल पे कर देते हैं, ठीक है। और बॉर्डर अभी फ़िलहाल तो इसमें आ नहीं रहा, बट कर देता हूँ मैं नन, ताकि अगर बॉर्डर हल्का फुल्का हो तो वो भी हट जाए। और बॉर्डर रेडियस को अपन
कर देते हैं 25 पिक्सल पे, ताकि ये ओवल शेप में दिखे। सो आप देख सकते हो अभी जो इसका बटन की जो लुक है वो काफ़ी अच्छी आ रही है दोस्तों। और चाहें तो हम इसके ऊपर जो है बॉक्स शैडो भी यूज कर सकते हैं और बेहतर बनाने के लिए। सो अगर हम चाहें तो बॉक्स शैडो के अंदर जो है हम के इस तरीके से हम बॉक्स शैडो भी दे सकते हैं दोस्तों, ताकि इसकी जो लुकिंग है वो और बेहतर आ सके। और ट्रांजिशन चाहे तो वो भी हम ऐड कर सकते हैं। सो कुछ इस तरीके से इसके ऊपर हम जो ट्रांजिशन है वो भी ऐड कर सकते हैं दोस्तों। और जो डिस्प्ले है उसको मैं इनलाइन ब्लॉक कर देता हूँ सेट, ठीक है। और उसके बाद जो है पोजीशन को हम रिलेटिव पे ही सेट कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। और एक और CSS ऐड कर देते हैं दोस्तों, ओवरफ्लो हिडन। सो अब देख सकते हो जो हमारा स्लाइडर है वो रेडी है दोस्तों, आप देख सकते हो। बट जस्ट इसमें हमें ऑटो स्लाइडर तो चल रहा है, मैनुअली हमें एक यहाँ पे बटन लगाना है और एक यहाँ पे बटन लगाना है। सो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले अपने को यहाँ पे बटन ऐड करना पड़ेगा दोस्तों, जो अभी हमने यहाँ पे बटन ऐड किया नहीं है। ओके सो एक काम करते हैं, हम जो है यहाँ पे जो बटन है उसको अपन ऐड कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। सो बटन के लिए बेसिकली दो बटन चाहिए अपने को, तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, एक क्लास और क्लास का नाम प्रीवियस के लिए ये डाल देता हूँ। और यहाँ पे अपन जो है काम करने वाले हैं ऑन क्लिक इवेंट को कॉल करेंगे दोस्तों, ऑन क्लिक। और यहाँ पे ऑन क्लिक में हम बेसिकली यहाँ पे जो प्लस और स्लाइड्स, यहाँ पे मैं एक क्लास ऐड कर रहा हूँ, ऑन क्लिक इवेंट में हम पास करेंगे दोस्तों। और यहाँ पे एक काम करेंगे, जो नेक्स्ट और प्रीवियस का यूनिकोड है ना वो डाल देंगे। सो ये प्रीवियस का है, सो यहाँ पे मैं कोड डाल रहा हूँ जो कि यूनिकोड है प्रीवियस के लिए, आइकन प्रीवियस आइकन के लिए। सो यहाँ पे मैं ये कोड डालता हूँ। सो अगर मैं आपको दिखाऊँ तो आप जस्ट अ मिनट, ओके CSS की वजह से नहीं दिख रहा है अभी, इसको हम इसके ऊपर CSS लगाएंगे तो ये दिख जाएगा। सो सेम ऐसे ही दोस्तों हम नेक्स्ट के लिए भी एक क्लास बना लेते हैं, नेक्स्ट। और ऑन क्लिक यहाँ पे जो है प्लस स्लाइड इसके अंदर हम 1 कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारा इसको 95 जो हमारा यूनिकोड है उसको चेंज करेंगे और यहाँ पे इस तरीके से लगा देंगे। और फिर जो है इसके ऊपर जो है अपन CSS अप्लाई कर देंगे दोस्तों। सो जो हमारी क्लास है डॉट प्रिव, इसके ऊपर भी अपन क्लास अप्लाई करेंगे और जो नेक्स्ट है इसके ऊपर भी अप्लाई करेंगे दोस्तों, ठीक है ना। सो यहाँ पे अगर मैं ये नेक्स्ट और प्रीवियस के लिए क्लास ऐड करूँ तो एक काम कर सकते हैं, एक काम करते हैं दोनों को कंबाइन ही ले लेते हैं एक बारी, जो कॉमन CSS है उसको हम यहीं पे रख लेंगे, ठीक है ना। और जो अलग अलग है उसको अलग रखेंगे। सो यहाँ पे सबसे पहले तो जो इसकी पोजीशन है वो अपन एब्सोल्यूट पे सेट करेंगे दोस्तों, ठीक है। और जो इसको भी अपन को सेंटर में दिखाना है, सो टॉप इसको लाएंगे 50%, ठीक है। जस्ट अ मिनट, के इसको लाएंगे अपन 50% पे। और यहाँ पे जो है ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट बाई, और यहाँ पे अपन -50% पे इसको सेट करेंगे, ठीक है। अभी देख सकते हो कुछ ये जो आइकन है वो इस तरीके से दिख रहा है, ओके कोई इशू नहीं है। इसका जो फ़ॉन्ट साइज है पहले वो इंक्रीज करते हैं अपन, फ़ॉन्ट साइज को हम 24 पिक्सल पे करते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो पैडिंग है उसको अपन 16 पिक्सल पे कर देते हैं, ठीक है।
ठीक है दोस्तों, और जो कलर है ना इसका, वो मैं वाइट पे सेट करता हूँ पहले, ताकि ये हमें दिखना स्टार्ट हो जाए। तो देख सकते हो अभी ये यहाँ पे कुछ इस तरीके से सेंटर में दिख रहा है, और जो इसका बैकग्राउंड कलर है ना, उसको अपन जो है आपके हल्का ब्लैकिश टाइप रखेंगे, ठीक है, ये देख सकते हो इस तरीके से। और इसके बाद जो कर्सर है उसको एज अ पॉइंटर सेट करेंगे हम, और इसका जेड इंडेक्स हम 10 पे सेट कर देते हैं, ठीक है। और ट्रांजिशन चाहे तो ट्रांजिशन भी ऐड कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। अब ये हो गया, और इसके बाद जो एक काम करते हैं, ये दोनों सेंटर में दिख रहे हैं, सो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे इसको जो है हम राइट में शिफ्ट कर देते हैं ना, तो राइट से हम 10 पिक्सल का वो डाल देते हैं। सो ये राइट में आ गया, और सेम हम ओके, मैं इसी को कॉपी करता हूँ, और अपन जो प्रीवियस है ना, इसके लिए लेफ्ट कर देंगे दोस्तों, ठीक है। सो ये हमारी जो बटन है ये आ गई दोस्तों, ठीक है। अब इसके बाद जो है, जस्ट अ मिनट, अगर मैं ओके, अगर मैं अब इस पर क्लिक करता हूँ, तो आप देख सकते हो जो स्लाइडर है वो चेंज हो रहा है। अब ये क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि इसके ऊपर जो जो भी हमने यहाँ पे यूज किया है ना दोस्तों, जस्ट अ मिनट, यहाँ पे जो हमने यूज किया है ना, ये प्लस स्लाइड। सो अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, सो यहाँ पे देखो, हमने ये जो प्लस स्लाइड एंड ये जो फंक्शन है यहाँ पे बना रखा है, ठीक है। सो इसकी वजह से हमने जो ये जो फंक्शन है, इसको यहाँ पे ऑन क्लिक फंक्शन को हमने यहाँ पे पास किया है, ठीक है, और उसमें एन की वैल्यू जो है वो हमने यहाँ पे पास करी है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे हमने जो एन यूज किया है, एन की वैल्यू यहाँ पे जो अब -1 कर रहे हैं जब प्रीवियस पे जा रहा है, और +1 कर रहे हैं इसके अंदर जब ये नेक्स्ट पे जा रहा है, ठीक है ना। सो ये जो स्लाइडर सेक्शन है दोस्तों हमारा, जो ये कम्प्लीटली है वो कम्प्लीट हो चुका है। और चाहें तो इस बटन के ऊपर मैं थोड़ा सा आपको और एक इफेक्ट ऐड करके दिखाता हूँ, जस्ट अ मिनट, एक काम करते हैं। अभी जब आप देखो बटन पे मैं होवर कर रहा हूँ तो कुछ भी नहीं हो रहा है, इसको थोड़ा और अच्छा बना दे दोस्तों। सो ओके, बटन ये रहा हमारा। सो सबसे पहले तो हम इसके ऊपर होवर कलर लगाते हैं दोस्तों कुछ, ठीक है ना, होवर इफेक्ट डालते हैं ना। सो होवर, और होवर के अंदर हम बेसिकली जो बैकग्राउंड है ना, उसको हम चाहें तो स्लाइटली चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। मान लो कि हमारा ये बैकग्राउंड था, ठीक है। सो इसको अगर हम चाहें तो चेंज कर सकते हैं दोस्तों, कि मतलब इस तरीके से हल्का सा मैंने इसका कलर जो है वो चेंज कर दिया। आप चाहो तो यहाँ पे ग्रेडियंट भी यूज कर सकते हो, और जो ट्रांसफॉर्म वाली प्रॉपर्टी है उसको अपन क्या करेंगे, ट्रांसलेट बाई, जो कि लिफ्ट अप इफेक्ट हमें देता है। सो 3 पिक्सल पे मैं इसको सेट करता हूँ, जस्ट अ मिनट, इसको मैं रिफ्रेश करके दिखाता हूँ आपको। ये रिफ्रेश किया, अब देखो इसको होवर कर रहा हूँ तो जो कलर है वो थोड़ा सा चेंज हो रहा है, और ये थोड़ा सा लिफ्ट अप भी हो रहा है। इसको अपने अकॉर्डिंग जो है आप एडजस्ट कर सकते हो। मैं 2px कर देता हूँ, थोड़ा और कम, और ओके, बॉक्स शैडो को भी अपन यूज कर लेते हैं, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ पे अपन बॉक्स शैडो के अंदर ये डाल देते हैं, और इसको करते हैं सेव। और अब दिखाता हूँ मैं आपको दोस्तों, इसको करता हूँ रिफ्रेश। आप देखो, आप इस पे जो इफेक्ट है वो कुछ इस तरीके का आ रहा है। और अगर मैं चाहूँ तो इसके अंदर जब मैं होवर करूँ, तो मैं चाहता हूँ कि एक अंडरलाइन भी आए। सो एनिमेशन के साथ अंडरलाइन लाने के लिए काम आफ्टर प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हैं दोस्तों। तो एक काम करता हूँ मैं इसको और बेहतर बनाने के लिए, ओके, डॉट बटन अप्लाई, और यहाँ पे मैं आफ्टर प्रॉपर्टी यूज करने वाला हूँ। और आफ्टर में यहाँ पे मैं काम करता हूँ कंटेंट को सबसे पहले यहाँ पे मैं ब्लैंक पे सेट कर लेता हूँ, ठीक है ना। और यहाँ पे जो पोजीशन रहने वाली है इसकी, मैं एब्सोल्यूट कर रहा हूँ, ठीक है। और जो बॉटम 0 पे सेट करेंगे, क्योंकि हम अंडरलाइन जो है वो बॉटम में ही ऐड करेंगे। और जो लेफ्ट है ना,
उसको अपन 50% पे सेट करते हैं, ठीक है। और जो विड्थ है उसको अपन 0 पे सेट करते हैं, और हाइट 2 पिक्सल पे डाल देते हैं, ठीक है। और जो बैकग्राउंड कलर रहने वाला है हमारी अंडरलाइन का, तो बैकग्राउंड कलर को हम वाइट पे सेट कर देते हैं दोस्तों, ठीक है। और ट्रांजिशन चाहे तो हम यहाँ पे ट्रांजिशन भी डाल देते हैं, ट्रांजिशन। सो ट्रांजिशन में हम विड्थ 0.4 सेकंड ईज, और लेफ्ट में भी 0.4 सेकंड और ईज ये डाल देते हैं दोस्तों, ठीक है ना। और एक काम और करता हूँ, जो ये वाला पार्ट है ना, जस्ट अ मिनट, और जो ये आफ्टर पार्ट है ना, इसको जो है अपन ओके होवर, ओके सो होवर आफ्टर पे भी हम थोड़ा सा इसके ऊपर स्पेसेस ऐड और करेंगे दोस्तों, ताकि जो जो इसका विड्थ है उसको अपन सेट कर देंगे 80% पे, और लेफ्ट इसको सेट कर देंगे 10% पे, ठीक है दोस्तों। और इसको सेव करता हूँ, और मैं आपको दिखाता हूँ कि इस जो हमने जो ये कोड लिखा है आफ्टर इफेक्ट की हेल्प से, सो उससे हमारा क्या बेनिफिट होने वाला है। सो अगर मैं आप इसको रिफ्रेश करूँ और आपको चेकआउट कराऊँ, जब मैं इस पर होवर कर रहा हूँ तो आप देखो ये अंडरलाइन जो है आ रहा है दोस्तों, जो कि काफ़ी कूल फीचर लग रहा है दोस्तों, और बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। सो जो इसकी विड्थ वगैरह है लाइनिंग की, आप जैसे कि अगर इसको छोटा बड़ा करना चाहते हो, मान लो इसको मैं 3 पिक्सल पे करूँगा तो जो लाइनिंग है वो मोटी आएगी, आप देख सकते हो। सो इस हिसाब से आप इसको चेंज कर सकते हो, और इसको अगर आपको पतली करनी है तो 1 पिक्सल पे सेट कर सकते हो। इसको आप अकॉर्डिंगली जो है अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, कुछ और इफेक्ट लगाना है तो यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हो। कुछ इस तरीके से आप छोटी छोटी जो ये CSS वगैरह यूज करके जो अपने लुक एंड फील है उसको एनहेंस कर सकते हो। ये फीचर मैंने पिछली वाले उसमें नहीं लगाया था, इसमें मैंने आपको इसलिए लगाकर दिखाया कि इसको थोड़ा सा और कूल बनाते हैं हम। सो दोस्तों हमारा जो स्लाइडर सेक्शन है आप देख सकते हो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट सेक्शन की ओर, और जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन होने वाला है दोस्तों उसका नाम है अबाउट सेक्शन। सो दोस्तों अपने अबाउट सेक्शन में सबसे पहले जो है हम अपने जो सेक्शन का जो आईडी है उसको अपन अबाउट पे सेट कर लेते हैं, ठीक है। ओके, सेक्शन आईडी हमारा अबाउट होने वाला है, और जो क्लास नेम होने वाला है हमारा वो अबाउट सेक्शन, ठीक है दोस्तों। सो ये हो गया, और इसके अंदर हम अपना जो भी हम अबाउट सेक्शन का डेटा है वो रखने वाले हैं। सो सबसे पहले मैं एक डिव क्लास और कंटेनर बना लेता हूँ दोस्तों, और इसके अंदर जो है हम बेसिकली सबसे पहले तो अपना जो अबाउट की हेडिंग है वो लिखने वाले हैं। सो हेडिंग मैं H2 यूज कर लेता हूँ, अबाउट आवर कॉलेज, ठीक है ना। सो इस तरीके से हम हेडिंग यूज कर लेते हैं, और अगर मैं आपको चेकआउट कराऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारी हेडिंग है वो यहाँ पे दिख रही होगी आपको, ठीक है ना। और यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। सो जस्ट अ मिनट, ओके ये रहा अबाउट आवर कॉलेज आ गया दोस्तों यहाँ पे। और इसके बाद हम इसके अंदर और भी थोड़ा एक पैराग्राफ ऐड करेंगे दोस्तों। सो मैं एक काम करता हूँ, फटाफट से जो इसका कंटेंट है ना वो लिख लेता हूँ, उसके बाद आपको उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, बहुत ही सिंपल है। सो क्योंकि ये इसमें डेटा लिखने वाला हूँ मैं थोड़ा सा पैराग्राफ्स वगैरह, तो वो टाइम जाएगा। सो मैं फटाफट से इसको कंप्लीट कर लेता हूँ दोस्तों सबसे पहले। सो दोस्तों मैंने यहाँ पर जो है अबाउट सेक्शन यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने लिख दिया है। यहाँ पर आप देखो तो बेसिकली हमने जो यहाँ पे एक H2 में अपना जो हेडिंग है वो लिखा है, और उसके बाद जो एक पैराग्राफ लिखा है दोस्तों जो कॉलेज के बारे में थोड़ा सा हमने एक्सप्लेन किया है, और उसके बाद जो है हमने जो अपना जो मिशन और विज़न है उसको यहाँ पे एक पैराग्राफ है आप यहाँ पे देख सकते हो। एक क्लास बनाया हमने डिव लिया है मिशन के लिए, उसके अंदर हमने एक इमेज यूज किया है mission.jpg जो कि आपको एसेट्स में मिल जाएगा, और उसका क्लास नेम दिया है अबाउट IMG, और अल्टरनेटिव टेक्स्ट में हमने यहाँ पे आवर मिशन डाला है, और एक जस्ट उसके नीचे हमने एक पैरा ऐड किया है। सिमिलर वे में सेम जैसा हमने एक यहाँ पे एक सेम विज़न के लिए भी सेम क्लास ऐड किया है,
और एक विज़न के लिए इमेज यूज किया है, और जो हेडिंग 3 में हमने उसका हेडिंग लिखा है और एक छोटा सा एक पैरा लिखा है, और उसके बाद हमने कुछ एक इसमें कोर वैल्यूज़ वगैरह ये ऐड किया है क्लासेस के अंदर, और एक और हमने हेडिंग ऐड करी है दोस्तों व्हाई चूज अस, और वो कुछ उसके अंदर हमने जो है ये कुछ कंटेंट यहाँ पे राइट किया है। सो अगर मैं इसको कंट्रोल एस करता हूँ और आपको दिखाता हूँ, तो जस्ट अ मिनट मैं इसको आपको दिखाऊँ, तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है, आप देख सकते हो। जो हमारा आवर विज़न है और जो कोर वैल्यूज़ है और वाई चूजर्स कुछ इस तरीके से दिख रहा है। अब इसको इसके ऊपर जो है अब हम CSS लगाएंगे और इसको जो बेहतर लुकिंग देने की कोशिश करते हैं दोस्तों। सो सबसे पहले मैं चलता हूँ CSS के अंदर, और यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, जो अपना जो CSS है अबाउट सेक्शन के लिए वो लिखना स्टार्ट करता हूँ। सो ये अबाउट स्टाइलिंग होने वाला है हमारा। सो यहाँ पे मैं CSS लिखना स्टार्ट करता हूँ अपने अबाउट सेक्शन के लिए दोस्तों। सबसे पहले अगर मैं आपको यहाँ पे चेक कराऊँ, तो आपने जो यूज किया है अबाउट सेक्शन के अंदर, आप देखो यहाँ पे, तो हमने जो है अबाउट सेक्शन जो ये क्लास है इसको यूज किया है। मैं यहाँ पे सबसे पहले जो है इसको जस्ट अ मिनट मैं यहाँ पे स्क्रॉल कर देता हूँ, ताकि आपको यहाँ पे चेंजेस जो है वो दिखता रहे। सबसे पहले मैं यहाँ पे पैडिंग ऐड करना चाहूँगा। पैडिंग के अंदर हम जो है 60 पिक्सल, और सॉरी 60 पिक्सल एंड 20 पिक्सल यहाँ पे देंगे, ठीक है दोस्तों। ये तो पैडिंग हो गई, और चाहें तो इसका बैकग्राउंड कलर स्लाइटली हम चेंज कर सकते हैं। बैकग्राउंड कलर के अंदर जो है मैं ये डाल देता हूँ इसके अंदर कलर कोड, ठीक है दोस्तों। ये बैकग्राउंड कलर हो जाएगा हमारा, आप देख सकते हो थोड़ा अलग लग रहा है ये। और इसके बाद जो है अपन यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं, तो एक कंटेनर हमने यूज किया है। एक काम करता हूँ मैं, अबाउट सेक्शन का जो कंटेनर है स्पेसिफिक, अगर मेरे कोई सेक्शन के कंटेनर पे लगाना है, मैं इस तरीके से यहाँ पे CSS लगा सकता हूँ दोस्तों। डॉट कंटेनर के अंदर जो मैक्स विड्थ है इसका, वो मैं सेट कर देता हूँ 1200 पिक्सल पे, ठीक है। और जो मार्जिन है उसको अपन रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए 0 और ऑटो पे सेट कर देते हैं, और जो टेक्स्ट की अलाइनमेंट है ना वो भी सेंटर में कर देते हैं दोस्तों, ठीक है। आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से अभी दिख रहा है। डेस्कटॉप पे अगर मैं दिखाऊं तो कुछ ऐसा दिख रहा है जो अबाउट कॉलेज है हमारा, ठीक है। अब इसके बाद क्योंकि ये जो अबाउट कॉलेज है वो हमने H2 में यूज कर रखा है, अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, हमने यहाँ पे H2 ले रखा है। H2 पे भी जो अबाउट स्पेसिफिक अबाउट सेक्शन का जो H2 है उसके ऊपर हम CSS अप्लाई करेंगे थोड़ा सा, जो इसकी फॉन्ट साइज़ है उसको इंक्रीज करके हम 36 पिक्सल पे सेट कर देते हैं, और जो मार्जिन बॉटम है उसको अपन 20 पिक्सल पे सेट करेंगे, ठीक है। और जो कलर है ना इसका, वो कलर भी मैं चेंज करना चाहूँगा दोस्तों। कलर को मैं सेट कर रहा हूँ कुछ इस तरीके का ग्रीनिश कलर यूज कर रहा हूँ मैं, ओके। और जो अबाउट सेक्शन की हेडिंग की जो पोजीशन है उसको अपन रिलेटिव पे सेट कर देते हैं दोस्तों, ठीक है। और इसके बाद जो है अगर चाहें तो इसके ऊपर आफ्टर इफेक्ट भी लगा सकते हैं, मैं जस्ट आपको जैसे हमने पिछली बार लगाया था। मैं काम करता हूँ यहाँ पे, जस्ट बेसिकली इसको थोड़ा सा हम बेहतर दिखाने के लिए काम करते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ क्या करना चाह रहा हूँ मैं। सबसे पहले तो सेम वे में जो कंटेंट है उसको ओके, और जो डिस्प्ले रहने वाला है उसको, डिस्प्ले प्रॉपर्टी को ब्लॉक पे सेट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे अपन जो विड्थ है वो लेने वाले हैं 60 पिक्सल का, ठीक है दोस्तों। और जो हाइट है वो 4 पिक्सल का रखने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पे अपन जो बैकग्राउंड है ना उसको हम जो कलर है उसका येलोइश कलर यूज करने वाले हैं इस तरीके से, आप देख सकते हो यहाँ पे जो ये लाइन आ रही है, ओके। और जो इसका मार्जिन है वो अपन 10 पिक्सल और ऑटो पे सेट करेंगे।
सो देख सकते हो आप, ये सेंटर में दिख रहा है। अभी अगर मैं इसको आपको दिखाऊं तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है, जो कि एक अच्छा इफेक्ट दे रहा है दोस्तों। सो इस तरीके से आप आफ्टर इफेक्ट के अकॉर्डिंग आप जो इसकी जो साइज है वो भी इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ से, ठीक है ना। सो कुछ इस तरीके से हमने आफ्टर इफेक्ट का यूज करके जो है एक अंडरलाइन हमने यहाँ पे ऐड किया है, जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है दोस्तों, ठीक है। और सेम वे में मैं एक काम करता हूँ, अबाउट सेक्शन के जो पी टैग है, जो पैराग्राफ हमने लिखा है यहाँ पे, उसके ऊपर भी हम CSS लगाते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे, अब जो हमने ये वाला पी लिखा है, जो ये वेलकम टू कॉलेज है हमारा टेकी कॉलेज, सो इसके अंदर हम सबसे पहले इसका जो फॉन्ट साइज़ है उसको अपन 18 पिक्सल पे सेट कर लेते हैं, कि जो लाइन हाइट है उसको जो है 1.6 पे सेट करेंगे दोस्तों, ठीक है। और जो इसका कलर है उसको भी हम स्लाइटली चेंज करेंगे, -333, ओके। सो ये हो गया हमारा पी सेक्शन। और इसके बाद अगर हम देखें तो जस्ट अ मिनट, ओके। सो ये पी सेक्शन हो गया हमारा। उसके बाद हम ले लेते हैं अपना जो मेन क्लास है हमारा मिशन और विज़न का, सो इसको ले लेते हैं हम। और यहाँ पे जो है आप देख सकते हो अभी जो ये रहा हमारा मिशन और ये रहा विज़न, ये दोनों इमेजेस हैं दोस्तों। सो अपन इसके ऊपर सबसे पहले CSS लगाएंगे, तो सबसे पहले जो इसका डिस्प्ले टाइप है, डिस्प्ले प्रॉपर्टी को हम फ्लैक्स पे सेट करेंगे दोस्तों, ठीक है ना। सो देख सकते हो अभी ये इनलाइन आ चुका है, ओके। और जस्टिफाई कंटेंट को अपन स्पेस बिटवीन पे सेट करेंगे, ठीक है दोस्तों। और इसके बाद जो है मार्जिन दे देते हैं 40, ठीक है। और फ्लैक्स को रैप करेंगे हम, रैप, ओके। और अब अपन क्या करेंगे, जो देख सकते हो यहाँ पे एक मिशन क्लास यूज किया है हमने और एक दूसरे वाला विज़न क्लास यूज किया है। सो मैं एक काम करता हूँ, ठीक है, जो सिमिलर CSS है मैं एक साथ ही लगा देता हूँ। यहाँ पे अपन जो विड्थ है इसकी वो 45% पे सेट करेंगे दोस्तों, ठीक है। देख सकते हो अभी आप कुछ इस तरीके से दिख रहा है, ओके। विड्थ को हमने 45% पे सेट किया है, और जो पैडिंग है उसको 20 पिक्सल, एंड जो बैकग्राउंड कलर है उसको जो है अपन हैज, सो इस कलर को सेट करेंगे दोस्तों, ठीक है। और इसके बाद जो है अपन बॉक्स शैडो, सो बॉक्स शैडो के अंदर जो है हम ये डाल देंगे दोस्तों, ठीक है ना। और कंट्रोल एस करते हैं इसको, और उसके बाद जो है अपन एक काम करता हूँ मैं, अब सही दिखेगा आपको। सो ये बॉक्स ऐड हो गया, उसके बाद जो बॉर्डर रेडियस होने वाला है हमारा उसको जो है अपन 8 पिक्सल पे सेट कर देंगे, ठीक है। और इसके बाद जो ट्रांजिशन है, सो ट्रांजिशन को हम कुछ इस तरीके से सेट कर देंगे, और यहाँ पे अपन जो इसकी जो पोजीशन होने वाली है उसको अपन रिलेटिव पे ही रखेंगे दोस्तों, और ओवरफ्लो जो है वो हिडन रहेगा दोस्तों, ठीक है। और इसके बाद जो है अपन जो इमेज है ना, इसके अंदर अगर मैं देखूं तो इसकी इमेज की क्लास हमने यूज करी है अबाउट इमेज, ठीक है ना। सो सबसे पहले मैं इस इमेज की जो साइज़ है उसके ऊपर अपन CSS लगा देते हैं। सो विड्थ 100% रहना चाहिए, ठीक है। आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से दिखने लग गया। और जो हाइट है ना उसको अपन ऑटो पे सेट करेंगे, और यहाँ पे बॉर्डर रेडियस भी दे देंगे दोस्तों, और जो बॉर्डर रेडियस रहने वाला है वो 8 पिक्सल का रहने वाला है, ठीक है ना। और इसके बाद जो ट्रांजिशन है उसको अपन
है दोस्तों। अभी अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देख सकते हो कुछ इस तरीके से दिख रहा है, और जो मोबाइल पे है वो अभी जो इमेज है वो अभी सही से नहीं दिख रहा, उसको हमें इसके ऊपर अभी रिस्पॉन्सिव CSS भी लगाना पड़ेगा अपने को, ताकि जो स्मॉल स्क्रीन पे है वो भी सही दिख सके। मैं सबसे पहले काम करता हूँ जो इसके रिस्पॉन्सिव छोटे स्क्रीन के लिए, स्मॉल स्क्रीन के लिए ही मीडिया क्वेरी लिख लेता हूँ। तो उसके लिए जो है के लिए अपन क्या करेंगे, @media, और यहाँ पे जो है मैक्स विड्थ लेने वाले हैं हम 768 पिक्सल, और इसके अंदर जो है अपन CSS लगाएंगे। सबसे पहले इसके ऊपर लगाएंगे दोस्तों, ठीक है ना, यहाँ पे। और जो इसकी फ्लेक्स डायरेक्शन है ना, उसको हम कॉलम पे सेट करेंगे, ठीक है ना। और इसके बाद जो है अलाइन आइटम्स सेंटर, ठीक है दोस्तों। देख सकते हो ये सेंटर में आ चुका है। और इसके बाद जो है एक काम और करेंगे, जो इसके ऊपर ना हमने जो विड्थ दे रखी है 45%, इसको भी अपन फिक्स करेंगे, ताकि जस्ट अ मिनट, यहाँ पे अपन जो विड्थ है उसको 90% पे सेट करेंगे स्मॉलर स्क्रीन के लिए। अब देख सकते हो दोस्तों जो हमारा मोबाइल फ़ोन पे है ये सही दिख रहा है, और ये बॉर्डर रेडियस की वजह से हो रहा है, जेड इंडेक्स की वजह से। इसको भी अपन फिक्स करेंगे। एक्चुअली हमें जो ये हेडर है ना स्टिकी, उसका जेड इंडेक्स इंक्रीज करना पड़ेगा, ताकि ये इसके ऊपर से ना जाए। इसको हम अभी लेटर ऑन फिक्स करेंगे। विड्थ हो गया, और यहाँ पे एक काम और कर दे सकते हैं दोस्तों, मार्जिन बॉटम दे देंगे हम इसको 20 पिक्सल, ठीक है ना। अभी अगर मैं आपको डेस्कटॉप पे दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से दिख रहा है हमारा, और अगर मोबाइल पे दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। और अपन जो है ये जो ऊपर जा रहा है ना, एक काम करता हूँ मैं इसको फिक्स कर ही देता हूँ। इसके लिए ना मैं, ये रहा हमारा हेडर, ओके, इसे यहाँ पे मैं जेड इंडेक्स डाल देता हूँ 1000, ठीक है। देख सकते हो ये फिक्स हो गया। ये तो हो गया हमारा, और इसके ऊपर अभी हम और CSS लगाएंगे दोस्तों, जस्ट अ मिनट, आ गए, ओके। अभी हमने इमेज पे लगा दिया था, और इसके बाद जो है अपन इसके ऊपर होवर करें तो उसके ऊपर भी हमें CSS लगाना पड़ेगा। मैं काम करता हूँ, ओके, यहाँ पे मैं जो है इन दोनों के ओवर पे भी CSS लगा देता हूँ, ठीक है ना, और यहाँ पे भी ओवर, एक साथ ही लगा देते हैं दोनों को, ठीक है, ताकि ट्रांसफॉर्म और लिफ्ट अप जो फंक्शन है हमारा, लिफ्ट अप जो एनिमेशन है वही लगा देते हैं 5 पिक्सल पे, ठीक है दोस्तों। और बॉक्स शैडो को जो है, ठीक है दोस्तों। अभी मैं इसको अगर रिफ्रेश करूं, और देख सकते हो ये थोड़ा सा इसके ऊपर इफेक्ट आ रहा है, जस्ट अ मिनट, ये देख सकते हो, ठीक है ना। और अगर मैं डेस्कटॉप पे भी चेक कराऊं तो ये डेस्कटॉप पे भी ये वाली इफेक्ट आप देख सकते हो, ठीक है ना दोस्तों। ये हो गया, और इसके बाद जो है अपन अगर इमेज के ऊपर भी होवर करके इसके ऊपर आप चाहते हो इसको थोड़ा सा एनलार्ज करना चाहते हो, तो इमेज के ऊपर भी स्पेशली आप चाहो तो होवर कर सकते हो। मान लो मैं बता देता हूँ आपको, किसी भी इमेज पे अगर होवर करने के लिए तो उसकी इमेज की जो क्लास है उसको आप इस तरीके से यूज कर सकते हो, और यहाँ पे आपको जस्ट होवर प्रॉपर्टी यूज करना है। और यहाँ पे हम एक होवर के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है दोस्तों स्केल की, स्केल प्रॉपर्टी जो है हम यूज कर सकते हैं। उसके लिए जो ट्रांसफॉर्म है और यहाँ पे स्केल, और इसके अंदर हम इसको जस्ट लिटल विट एनलार्ज करेंगे, 1.05 डाल देते हैं और सेव करते हैं। और इसको मैं रिफ्रेश करूँ तो अभी देखो ये इमेज जो है वो थोड़ा सा एनलार्ज हो रहा है। इसको आप अपने अकॉर्डिंग, जैसे मैं इसको थोड़ा सा कम कर दूँ, मान लो 3 कर देते हैं, और वापस से रिफ्रेश करते हैं तो देख सकते हो उसके अकॉर्डिंग ही ये एनलार्ज होगा। इस तरीके से आप अपने अकॉर्डिंग जो इफेक्ट है वो ऐड कर सकते हो होवर पे।
ओके सो हमारा ये हो गया। अब इसके बाद जो है ये H3 में अबर मिशन जो है ये आपको मैं दिखाऊं तो ये देख सकते हो हमने H3 टैग यहाँ पर यूज कर रखा है। सो उसके ऊपर भी हम चाहें तो एक सेपरेटली CSS जो है वो यूज कर सकते हैं दोस्तों। सो बेसिकली उसके लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, जो ये मिशन एंड विज़न है इन दोनों को ही मैं वापस से ले लेता हूँ, और यहाँ पे अपन H3 ले लेते हैं और H3 ले लेते हैं, ठीक है ना। सो इनके ऊपर हम जो है सबसे पहले तो जो इनका फ़ॉन्ट साइज़ है उसको जो है हम 24 पिक्सल पे सेट करते हैं, ठीक है दोस्तों, ताकि ये थोड़ा बड़ा दिखे। और जो मार्जिन है उसको अपन जो है 15 और 0 पे सेट करते हैं, और इसका कलर भी चेंज करेंगे दोस्तों हम, इसका जो कलर है येलोइश टाइप कर देते हैं हम। सो हैज FF57 2। सो ये कलर यूज कर लेते हैं दोस्तों, देख सकते हो अब दोनों का सेम कलर हमने यूज कर लिया है, ठीक है ना। और अब अगर इसकी बात की बात करें तो अब आ जाता है ये हमारा कोर वैल्यू, क्योंकि ये दोनों तो हमारा रेडी है दोस्तों। अब कोर वैल्यू पे आ जाते हैं हम। सो यहाँ पर अगर मैं दिखाऊं तो आपको कोर वैल्यूज़ के अंदर हमने एक अनऑर्डर्ड लिस्ट के ऊपर यूज किया हुआ है। सो यहाँ पे कोर वैल्यूज़ के ऊपर जो है हम CSS अप्लाई करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये डॉट आ रहा है, सो इस डॉट को हटाने के लिए लिस्ट स्टाइल को हम नन पे सेट कर देंगे, ठीक है। और जो पैडिंग है उसको अपन 0 पे सेट कर देते हैं, और मार्जिन 20 पिक्सल एंड 0, ठीक है दोस्तों। अब इसके जो li टैग है ना उसके ऊपर भी अपन CSS लगाते हैं। सो li टैग पे लगा देते हैं, और li टैग के अंदर जो सबसे पहले फ़ॉन्ट साइज है उसको अपन 18 पिक्सल पे करेंगे, ताकि ये थोड़ा सा जो है अनलार्ज दिखे। और जो इसका कलर होने वाला है दोस्तों उसको भी अपन चेंज करेंगे, ठीक है दोस्तों। सो ब्लू इस कलर हम यूज करने वाले हैं, और जो मार्जिन है उसको हम 10-0 पे सेट करते हैं, ताकि इनके बीच में गैप आ सके। और जो पोजीशन इसकी रहने वाली है दोस्तों वो रिलेटिव ही रखने वाले हैं, और पैडिंग लेफ्ट इसमें हम 20 पिक्सल का दे देते हैं दोस्तों, ठीक है ना। सो ये कुछ इस तरीके से दिखने लग जाएगा दोस्तों। और अगर हम चाहें तो एक काम और करता हूँ मैं, यहाँ पे आपको इसके आगे जो है वो एक चेक मार्क लगा देते हैं। सो इसके अंदर मैं क्या यूज करने वाला हूँ, पिछली बार हमने आफ्टर यूज किया था, अब की बार हम बिफोर प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, जस्ट इसके पहले लगाना है अपने को। सो यहाँ पे जो है अपन ओके कंटेंट और जो चेक साइन है ना दोस्तों वो अपने को कॉपी करना पड़ेगा। सो एक काम करता हूँ, चेक साइन इन वर्ड, ये वाला जो सिंबल है ना दोस्तों इस ये चाहिए अपने को, ठीक है ना। सो इसको मैं कॉपी करता हूँ और सीधा मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है ना। और ये हो गया कंटेंट के अंदर, और जो इसका कलर है अपन वो कलर सेट कर देते हैं दोस्तों येलो। सो FF57 2, ठीक है इस तरीके से। और अगर चाहें तो इसकी जो पोजीशन है उसको भी हम जस्ट अ मिनट, पोजीशन मैं सबसे पहले एब्सोल्यूट सेट करता हूँ, ठीक है। और लेफ्ट अगर मैं चाह रहा हूँ ये चेक जो है वो बिल्कुल इस तरफ अलाइन रहे, तो काम करता हूँ Left 0 कर देता हूँ। सो अब देख सकते हो ये यहाँ पे आ गया, और अगर मैं आपको डेस्कटॉप पे चेक कराऊँ तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। आप चाहते हो तो कंबाइन रखना चाहते हो तो सेम ये दोनों CSS आप रिमूव कर सकते हो, तो जस्ट अगर मैं इसको हटा देता हूँ और सेव करता हूँ तो देखो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। इसको अगर मैं डेस्कटॉप पे दिखाऊँ तो ये इस तरीके से दिखेगा, और आप इसको अगर लेफ्ट लाइन रखना चाहते हो तो इस तरीके से आप इसको लेफ्ट लाइन भी रख सकते हो, ठीक है ना। और अगर आप चाहते हो कि इसके ऊपर होवर करने पे मान लो कुछ इफेक्ट आए, तो होवर इफेक्ट भी हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। उसके लिए जस्ट अपने को इसके ऊपर जो है लिस्ट के ऊपर
होवर इफ़ेक्ट यूज करना पड़ेगा। सो अगर मैं इसके ऊपर होवर इफ़ेक्ट यूज करूं और यहाँ पे मैं इसका जो कलर है जो भी हमने यूज किया उससे थोड़ा सा हम स्लाइटली जो है अगर चेंज कर दें तो यहाँ पे दे देता हूँ 00 56 B3, ठीक है। और एक काम करते हैं, इसको अंडरलाइन भी कर देते हैं होवर पे ताकि ये थोड़ा सा अलग दिखे। ओके, सो देख सकते हो आप कुछ इस तरीके से जो है होवर इफ़ेक्ट इसके ऊपर आ रहा है दोस्तों, ठीक है ना। सो दोस्तों हमने यहाँ पर जो है अपना अबाउट सेक्शन जो है वो भी कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। सो दोस्तों जो नेक्स्ट सेक्शन है हमारा वो होने वाला है एडमिशन सेक्शन। तो मैं फटाफट से कमेंट ऐड कर देता हूँ दोस्तों, एडमिशन सेक्शन, ठीक है ना। सो यहाँ पे क्या करने वाले हैं हम, सेम वे में सबसे पहले तो हम सेक्शन और इसकी जो आईडी है वो अपन जो है एडमिशंस ही सेट करने वाले हैं दोस्तों, और जो इसकी क्लास रहने वाली है वो एडमिशन सेक्शन रहने वाला है दोस्तों, ठीक है ना। ठीक है, और इसके अंदर हम एक बेसिकली कंटेनर बनाएंगे, ठीक है। और इस कंटेनर के अंदर सबसे पहले अपन जो हेडिंग है वो लिखेंगे दोस्तों। सो H2 के अंदर जो है मैं हेडिंग लिख देता हूँ यहाँ पे जो एडमिशन, ठीक है, ये हमारा हेडिंग हो जाएगा दोस्तों। अगर मैं इसको सेव करूँ और आपको दिखाऊँ तो देख सकते हो जो हमारा हेडिंग है वो यहाँ पे आ रहा है। और उसके बाद एक हम पैराग्राफ लिखेंगे इसके अंदर इसके बारे में थोड़ा सा। सो फटाफट से मैं ये जो सेक्शन है दोस्तों एडमिशन सेक्शन इसका जो कंटेंट है वो लिख लेता हूँ और मैं फिर उसको आपको एक्सप्लेन कर दूँगा। सो दोस्तों देख सकते हो मैंने एडमिशन सेक्शन का जो कंटेंट है वो मैंने लिख लिया है। बेसिकली यहाँ पे एक पैराग्राफ ऐड किया है और उसके बाद जो है हमने एक एडमिशन प्रोसेस का एक डेव यूज किया है। उसके अंदर जो है हमने प्रोसेस के जो स्टेप्स हैं दोस्तों उसके लिए हमने जैसे कि जो पहला स्टेप है वो हमारा प्रोसेस स्टेप है, तो उसके अंदर हमने एक इमेज यूज किया है और यहाँ पे उसके बारे में थोड़ा सा लिखा है पी क्लास में। और उसके बाद जो सेकंड स्टेप है उसके अंदर एक और हमने जो असेसमेंट प्रोसेस है इसके अंदर वो डाला है। देख सकते हो जो हमारा एडमिशन का जो इसके अंदर जो मैं क्लास है वो सेम यूज कर रहा हूँ। सो यहाँ पे सिमिलर एक और जो हमने असेसमेंट वाला स्टेप 2 वाला जो सेक्शन है वो डाला है। उसके बाद एक और स्टेप डाला है इंटरव्यू का। सो इंटरव्यू के बाद जो है अब हमारा जो एक और स्टेप इसमें मैंने टोटल 4 यूज किए हैं। तो यहाँ पे एक एडमिशन ऑफर का भी सिमिलर ही यूज किया है। इन चारों के अंदर जो है मैंने एक एक इमेजेस यूज किए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो जो कि एसेट्स में हमारा इमेज पड़ा हुआ है। और उसके जस्ट बाद मैंने H3 यूज किया है दोस्तों। उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट डेट्स हम मेंशन करने वाले हैं वहाँ पे जैसे एप्लीकेशन डेडलाइन या असेसमेंट डेट क्या है, इंटरव्यू की शेड्यूल क्या रहने वाली है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमने लिस्ट आउट कर रखा है। और जस्ट उसके नीचे एक और हमने जो H3 में नीड हेल्प से रिलेटेड मैंने जो वहाँ पे हम अपना ईमेल और फ़ोन नंबर डाल सकते हैं। सो दोस्तों जो एडमिशन सेक्शन के अंदर है कुछ ये कंटेंट होने वाला है। सो अगर मैं इसको अभी आपको सेव करके दिखाऊं तो आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ ऐसा दिख रहा है ये। ओके, सो अगर मैं इसको डेस्कटॉप पे दिखाऊं जस्ट अ मिनट, तो देख सकते हो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। हमारा जो स्टेप है स्टेप 3 स्टेप 4 और यहाँ पे आप देख सकते हो स्टेप 2। सो इसको अभी CSS लगाएंगे और इसको ग्रिड व्यू में हम दिखाने की कोशिश करेंगे और इसको जो इसकी लुक एंड फील है उसको एनहेंस करेंगे दोस्तों। सो चलते हैं अपने CSS पार्ट में और जो हमारा एडमिशन सेक्शन का जो CSS है उसको हम फटाफट से कंप्लीट करते हैं, ठीक है ना दोस्तों। सो यहाँ पे मैं कमेंट डाल देता हूँ, ठीक है। सो सबसे पहले तो जो CSS हम यूज करेंगे दोस्तों वो हम जस्ट अ मिनट यहाँ पे चलते हैं और अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो सबसे पहले जो हमारा क्लास है वो ये रहा। तो इसके ऊपर हम एडमिशन सेक्शंस और यहाँ पे मैं जस्ट अ मिनट, ओके ये रहा। और यहाँ पे हम सबसे पहला है वो पैडिंग यूज करने वाले हैं और पैडिंग देने वाले हैं हम 60px एंड 20px, ठीक है दोस्तों। और इसके बाद जो है बैकग्राउंड इसका जो कलर है वो हम चेंज करेंगे दोस्तों। सो बैकग्राउंड कलर में हम दे देंगे दोस्तों कुछ इस तरीके का हम बैकग्राउंड कलर यूज कर रहे हैं इसके ऊपर।
और इसके बाद जो है दोस्तों हम एडमिशन सेक्शन का जो कंटेनर है ना, इसके अंदर आई थिंक ओके ये रहा। सो इस कंटेनर के ऊपर भी हम CSS लगाएंगे स्पेसिफिकली अलग से। सो यहाँ पे जो मैक्स विड्थ रहने वाला है हमारा 1200 का रहने वाला है दोस्तों, और मार्जिन को जो है अपन 0 और ऑटो पे सेट करेंगे, ठीक है। और जो टेक्स्ट है वो सेंटर में अलाइन रहेगा दोस्तों, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से। और जो H2 है हमारा हेडिंग, उसके ऊपर भी अपन ओके। यहाँ पर जो है जो फॉन्ट साइज़ है वो हम 36 पिक्सल यूज करने वाले हैं। और इसके बाद मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल, एंड जो कलर रखने वाले हैं हम इसका वो ग्रीनिश टाइप रख लेते हैं हम। सो उसका कलर कोड है, सो इस तरीके का कुछ कलर कोड लिख लेते हैं दोस्तों। और जो इसकी पोजीशन है उसको हम रिलेटिव पे ही सेट कर लेते हैं, ठीक है ना। और इसके ऊपर भी हम अपन जो हमने ये इफ़ेक्ट लगाया था ना, सेम इफ़ेक्ट यहाँ पे भी हम यूज कर लेते हैं दोस्तों। सो उसके लिए भी बेसिकली सेम प्रोसेस फॉलो होगा। सो मैं काम करता हूँ, जस्ट अ मिनट, मैं सेम यूज कर रहे हैं तो मैं उसको कॉपी कर लेता हूँ दोस्तों, ठीक है ना, ये रहा। सो कुछ इसी तरीके की जो क्लास है हम यूज करने वाले हैं, सो मैं इसमें चेंज कर दूंगा दोस्तों। सो ये हो जाएगा हमारा एडमिशन सेक्शन, और H2 के ऊपर आफ्टर में लगाएंगे हम। और इसके अंदर भी हम जो कलर है उसको अपन चाहें तो थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे काम करता हूँ, सो यहाँ पे कुछ इस तरीके का कलर यूज कर लेते हैं दोस्तों, और बाकी चीज़ें सेम रहने वाली है दोस्तों, ठीक है ना। और जो पैराग्राफ है दोस्तों उसके ऊपर भी अपन थोड़ा सा CSS लगा देते हैं। सो यहाँ पे पी टैग में जो है जो फॉन्ट साइज़ है वो हमारा 18 पिक्सल होने वाला है, ठीक है। और जो लाइन हाइट है उसको 1.6 पे सेट कर देते हैं। और जो कलर है उसको अपन #333 इस पे सेट कर देते हैं, ठीक है ना, ये हो गया। अब इसके बाद बारी आ जाती है हमारी ओके एडमिशन प्रोसेस की, ओके इसको ले लेते हैं। सो यहाँ पे अपन CSS यूज करने वाले हैं दोस्तों, डिस्प्ले फ्लैक्स, ठीक है। और जो जस्टिफाई कंटेंट है वो स्पेस बिटवीन होने वाला है इसके अंदर भी, ठीक है। और इसको जो है वो रैप कर लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो गैप है वो अपन 20 पिक्सल पे इसको रखेंगे, ठीक है। और मार्जिन हम सेट कर लेते हैं 40 एंड 0, ठीक है दोस्तों। और इसके बाद अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमने ये प्रोसेस स्टेप यूज किया है क्लास, उसको जो इंडिविजुअल हमारे सेक्शंस है उसके लिए भी हमें अलग से CSS लगाना पड़ेगा। सो यहाँ पे अपन जो फ्लैक्स है उसको हम 1 1, एंड ठीक है यहाँ पे अपन 25%, एंड जो ओके 20px इस तरीके से कुछ सेट कर देंगे, ठीक है। आप देख सकते हो अभी कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है दोस्तों। और जो पैडिंग रहने वाली है इसकी, बेसिकली ये 4 बॉक्सेस में इसको डिवाइड करेगा दोस्तों। अभी जस्ट अ मिनट, पैडिंग जो है इसकी हम 20 पिक्सल पे कर देते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो है अपन जो बैकग्राउंड कलर है ना इसका, उसको भी इस वाले कलर को यूज कर लेते हैं दोस्तों। और इसके बाद जो बॉक्स शैडो है उसको, और यहाँ पे बॉर्डर रेडियस भी यूज कर लेते हैं दोस्तों 8 पिक्सल, ठीक है। और इसके बाद जो है जो ट्रांजिशन है उसको अपन जो है ट्रांसफॉर्म, ठीक है। और पोजीशन को तो अपन रिलेटिव ही रखने वाले हैं दोस्तों,
ठीक है, और ओवरफ्लो हमारा हिडन रहने वाला है, ठीक है। सो अभी आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से दिख रहा है जो हमारा यहाँ पे, आप देख सकते हो जो इमेज की जो थ्री इमेजेस है वो एक इसमें अलाइन हो चुकी है और फोर्थ जो है वो उसके नीचे आ रहा है, ठीक है ना। सो इसको एक काम और करते हैं, अभी देख सकते हो ये मोबाइल फ़ोन पे बेहतर नहीं दिख रहा है बेसिकली। सो अगर हम चाहें तो सबसे पहले जो मीडिया क्वेरी वाला पार्ट है वो कंप्लीट कर लेते हैं ताकि जो हमारा मोबाइल फ़ोन पे है वो भी सही से दिखे। सो मैं सबसे पहले मीडिया क्वेरी ही कंप्लीट कर लेता हूँ यहाँ पे। सो यहाँ पे मैं देने वाला हूँ ओके मैक्स विड्थ एंड स्क्रीन यहाँ पे लूँगा मैं 1200 पिक्सल। एंड इसके अंदर जो है ना, मैं जो ये प्रोसेस स्टेप है इसको क्या करने वाला हूँ, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे इसकी जो यहाँ पे मैं 33% पे इसको सेट करूँगा दोस्तों, ठीक है, और सेव करूँगा, ठीक है। सो यहाँ पे अभी कुछ इस तरीके से दिख रहा है, ओके। और एक काम और करता हूँ, ये तो हो गया 1200 पिक्सल के लिए, और ओके इसको जो है मैं एक बारी और यूज करूँगा, और यहाँ पे 768 पिक्सल के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, 100% पे सेट करेंगे इसको कि स्मॉलर स्क्रीन पे जो है वो सिंगल दिखे, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो मोबाइल फ़ोन पे कुछ इस तरीके से दिख रहा है, इसकी हाइट ज़्यादा है वो अभी हम इमेज की हाइट भी सेट करेंगे, बट फिलहाल आप देखो ये सही दिख रहा है, ओके। सो ये हो गया, और इसके बाद जो है एक और हम क्लास यूज कर सकते हैं यहाँ पे, ओके। सो यहाँ पे मैं एक और यूज कर लेता हूँ 992। सो यहाँ पे अपन जो टैबलेट के लिए है वो 50% कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। सो ये हो गया हमारा, और अब जो है एक काम करते हैं, जो हमारा इमेज है ना उसके ऊपर सबसे पहले जो है हम CSS यूज कर लेते हैं। सो अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो हमने इमेज के लिए हमने स्पेशल CSS जो क्लास है वो यूज कर रखा है। सो जस्ट मैं इसके ऊपर जो है CSS अप्लाई कर सकता हूँ। सो प्रोसेस इमेज के ऊपर सबसे पहले जो है जो इसकी विड्थ है वो 100% पे सेट कर देते हैं, ठीक है। और जैसे ही मैंने सेट किया, ये देख सकते हो आप, ये जो है अलाइन हो चुका है, जो इमेज का जो साइज़ है वो अपने आप ही अलाइन हो चुकी है दोस्तों, आप देख सकते हो, ओके। सो ये विड्थ हो गया 100%, और जो हाइट है उसको अपन ऑटो पे सेट कर देंगे दोस्तों, और बॉर्डर रेडियस भी हम यहाँ पे दे देते हैं 8 पिक्सल का, ठीक है, ताकि ये और बेहतर दिखे। और यहाँ पे अगर हम चाहें तो ट्रांजिशन भी यूज कर सकते हैं। सो ये ट्रांजिशन भी हम यूज कर सकते हैं इसके ऊपर दोस्तों, ठीक है। और अगर हम चाहें तो इसके ऊपर होवर इफ़ेक्ट भी डाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। सो यहाँ पे अपन जो है अगर चाहें तो फिर से वही जो स्केल प्रॉपर्टी हमने पिछले बारी यूज किया था उसको भी हम यूज कर सकते हैं 1.03, ठीक है, ये हो गया। और अगर चाहें तो इसके ऊपर भी अगर हम होवर इफ़ेक्ट यूज करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे हम जो होवर इफ़ेक्ट है वो यूज कर सकते हैं। सो इसके ऊपर हम ट्रांसफॉर्म और जो लिफ्ट अप का जो हमारा था, ठीक है, सो हम ये यूज कर लेते हैं, और बॉक्स शैडो को जो है वो अपन बॉक्स शैडो भी यहाँ पे यूज कर लेते हैं दोस्तों। सो अगर मैं इसके ऊपर अब होवर करूँ तो आप देख सकते हो ये थोड़ा सा इफ़ेक्ट भी आ रहा है इसके ऊपर, ठीक है ना। और ये हो गया हमारा, और इसके बाद जो है अपन जो ये H3 है, चाहे तो ये सही लग रहा है, बाकी आप ये वैसे तो सही लग रहा है, बाकी आप चाहो तो इस जो H3 टैग है ना इसके ऊपर भी अपन CSS
यूज कर सकते हैं दोस्तों। उसके लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, जो ये प्रोसेस स्टेप के अंदर है, तो यहाँ पे मैं काम करता हूँ, ओके H3 ले लूँगा। और यहाँ पे हम जो इसका फ़ॉन्ट साइज़ है उसको जो है वो हम 24 पिक्सल पे सेट कर देते हैं, ताकि ये थोड़ा बड़ा दिखे। और मार्जिन को है जो हम 15 पिक्सल एंड 0 पे सेट करते हैं, ठीक है। और इसका जो कलर है ना, वो भी हम चाहें तो चेंज कर सकते हैं। इसका कलर रहने वाला है दोस्तों, ये वाले कलर जो है हम यूज कर लेते हैं, येलो इस टाइप, आप देख सकते हो, ठीक है ना। और इसके बाद अगर मैं आपको दिखाऊं तो प्रोसेस स्टेप के बाद जो हमारा इम्पोर्टेंट डेट्स है, ओके दिस पार्ट, इम्पोर्टेंट डेट्स के ऊपर भी अपन जो है यहाँ पे CSS सेपरेटली लगाएंगे। सबसे पहले जो लिस्ट स्टाइल को है वो नन पे सेट कर लेते हैं, ठीक है। और पैडिंग को हम 0 पे सेट कर देते हैं। और इसके बाद जो मार्जिन है ना, उसको हम 20 पिक्सल एंड 0 पे सेट करेंगे, ठीक है। और फिर li टैग के ऊपर हम यहाँ पे CSS लगा देंगे दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे अपन जो फॉन्ट साइज़ है उसको 18 पिक्सल पे सेट करते हैं। और जो कलर है वो ब्लूश टाइप रखने वाले हैं। यहाँ पे ठीक है, ये कलर यूज कर लेते हैं। और जो मार्जिन है इसका वो अपन 10 पिक्सल एंड 0, ठीक है, ताकि थोड़ी स्पेसिंग आ जाए। और पोजीशन इसका हम रिलेटिव ही रखने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। और फिर पैडिंग लेफ्ट कर देते हैं हम इसको 20 पिक्सल, ठीक है दोस्तों। इसकी जो लुक एंड फील है वो कुछ इस तरीके से आ रही है, आप देख सकते हैं। और इसके बाद अगर हम चाहें तो यहाँ पे एक कैलेंडर, जैसे हमने यहाँ पे चेक मार्क यूज किया था, वैसे ही सेम कैलेंडर का जो आइकन है वो भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं सेम वे में। उसके लिए अपने को ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है नहीं दोस्तों, जस्ट अ मिनट। यहाँ पे इसके जस्ट बिफोर, ओके यहाँ पे अपन बिफोर प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे। और यहाँ पे जो है कंटेंट के अंदर जो है अपने को जो है वो आइकन चाहिए, कैलेंडर आइकन टेक्स्ट, जैसा सर्च कर लेते हैं, ओके हाँ यही चाहिए दोस्तों हमें। इसको ही मैं ऐसे कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है ना। और इसके बाद जो है इसको सेव करेंगे तो आप देख सकते हो ये कुछ जो आइकन है वो यहाँ पे दिख रहा है। और इसके बाद जो है अपन इसको लेफ्ट अलाइन करेंगे, तो उसके लिए सेम प्रोसेस यूज करने वाले हैं। पोजीशन को एब्सोल्यूट करेंगे और लेफ्ट 0 कर देंगे दोस्तों, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से दिखने लग जाएगा। और अगर हम और इस H3 पे भी अगर हम चाहें तो एडमिशन सेक्शन के H3 पे भी हम चाहें तो CSS हम यूज कर सकते हैं दोस्तों। एक काम करता हूँ मैं, इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा जो CSS है वो यूज कर लेते हैं H3, ठीक है। और यहाँ पे जो है इसका जो फॉन्ट साइज़ है वो हम थोड़ा सा इंक्रीज करने वाले हैं, ठीक है। और मार्जिन जो है हम उसको जो है कि मार्जिन टॉप यूज कर लेते हैं, ठीक है ना, मार्जिन टॉप। और मार्जिन टॉप हमारा होने वाला है 40 पिक्सल, ठीक है दोस्तों। और जो कलर है इसका वो अपन जो है वो ग्रीनिश टाइप यूज कर लेते हैं, ठीक है ना। ये कुछ इस तरीके से दिखेगा दोस्तों, आप देख सकते हो, ठीक है ना। और यहाँ पे जो हम चाहें तो अपना जो ईमेल एड्रेस है वो चेंज कर सकते हैं, और यहाँ पे हम डेट डाल सकते हैं, जो भी डेट डालना चाहते हैं। और यहाँ पे हम
अपना जो फ़ोन नंबर है वो डाल सकते हैं दोस्तों। जस्ट अ मिनट, यहाँ पे अपन जो है अपना फ़ोन नंबर कुछ भी यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है, और ईमेल एड्रेस भी यहाँ पे हम डाल सकते हैं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, सो जो हमारा यहाँ पे जो एडमिशन सेक्शन है वो भी हमारा जो है वो कंप्लीट हो चुका है। आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से जो इसकी लुक एंड फील है वो आ रही है, और अगर मैं मोबाइल फ़ोन पे दिखाऊं तो आपको कुछ जो स्मॉलर स्क्रीन है उस पर कुछ इस तरीके की लुकिंग आ रही है। सो इसके बाद बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की ओर दोस्तों। सो जो नेक्स्ट सेक्शन हमारा होने वाला है दोस्तों, उसका नाम है एकेडमिक सेक्शन। सो इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। सो जो नेक्स्ट सेक्शन है हमारा वो होने वाला है हमारा एकेडमिक सेक्शन। सो एकेडमिक सेक्शन के अंदर भी सेम हम जो है वो सबसे पहले जो है वो सेक्शन आईडी लेंगे दोस्तों, और वहाँ पे हम जो है उसका जो नाम है वो एकेडमिक्स ही देने वाले हैं, और उसके बाद जो क्लास नेम है उसको भी हम एकेडमिक सेक्शन ही देने वाले हैं, ठीक है। और इसके बाद जो है इसके अंदर हम फिर से एक कंटेनर बनाएंगे, डेव क्लास और कंटेनर, और इस कंटेनर के अंदर सबसे पहले हम जो है अपना हेडिंग लिखने वाले हैं H2 में, ठीक है। सो यहाँ पे हम अपना जो हेडिंग है वो लिख लेंगे दोस्तों, और यहाँ पे अगर मैं कंट्रोल एस करूँ तो देख सकते हो हमारा एकेडमिक्स आ गया। फिर इसके बारे में जो कंटेंट है यहाँ पे जो एकेडमिक उसके अंदर वो कंटेंट्स हम ऐड करेंगे। सो फटाफट से मैं जो है इस सेक्शन को भी जो इसकी कंटेंट है उसको कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर उसको एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको। तो दोस्तों जैसा कि देख सकते हो मैंने एकेडमिक सेक्शन के लिए भी एक सिमिलर सेक्शन क्रिएट किया है, यहाँ पे आप देख सकते हो, जो कि हमने एक H2 टैग लिया था और इसके अंदर मैंने थोड़ा सा कॉन्टेंट P टैग में डाला है, और यहाँ पर आप देख सकते हो एक क्लास बनाया मैंने एकेडमिक एरियाज़ करके, उसके अंदर मैंने बेसिकली तीन और डिव यूज़ किए हैं। एक तो हमारा जो मेन एरियाज़ वाला डिव है जिसके अंदर ये तीनों डिव कंबाइन करके मैंने डाला है, यहाँ पे देख सकते हो ये सिमिलर है, एकेडमिक एरिया और एकेडमिक एरिया, और यहाँ पे भी एकेडमिक एरिया। टोटल हमने 5 और 6 इसमें यूज़ किया है, आप देख सकते हो। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो उसके अंदर मैंने H3 टैग यूज़ किया है, यहाँ पे आप जैसा कि देख पा रहे हो, और एक इमेज यूज़ किया है और उसके बारे में थोड़ा सा कंटेंट। सो इसी तरीके से मैंने कई सारे जो एकेडमिक्स के अंदर जो भी कंटेंट हो सकता है वो मैंने इसमें ऐड करा है दोस्तों, ठीक है ना। और जो इमेज लिया है उसकी क्लास हमने एकेडमिक इमेज दे दिया है। सो अगर मैं इसको कंट्रोल एस करता हूँ और आपको चेकआउट करवाऊँ तो अभी जो है हमारा एकेडमिक एरिया अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये तो हमारा एडमिशन पार्ट हो गया और ये रहा एकेडमिक पार्ट। सो यहाँ पर आप देख सकते हो जो हमारे प्रोग्राम्स हैं, फैकल्टी है, और जो फैसिलिटीज़ वगैरह जो भी हमने कंटेंट ऐड करा है वो इस तरीके से यहाँ पे दिख रहा है। सो अब हम इसके ऊपर जो है वो CSS लगाएंगे दोस्तों और इसको बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। सो फटाफट से मैं आ जाता हूँ CSS के अंदर, और यहाँ पे जो है अपन जो एकेडमिक सेक्शन है उसके लिए हम CSS लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। सो फटाफट से मैं यहाँ पर कमेंट डाल देता हूँ, ठीक है, एकेडमिक स्टाइलिंग। सो सबसे पहले तो अगर मैं आपको चेक कराऊं, जस्ट अ मिनट, मैं इसको साइड बाय साइड ही कर लेता हूं ताकि यहां पे आपको ये दिखता रहे, ठीक है। एकेडमिक सेक्शंस पे आ जाते हैं। सो दोस्तों अगर मैं यहां पर आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हो सबसे पहला जो हमने क्लास यूज किया है वो एकेडमिक सेक्शन यूज किया है। सो सबसे पहले जो है अपन इसके ऊपर जो है वो पैडिंग डाल देंगे दोस्तों। सो पैडिंग अपन सेम लेने वाले हैं 60 पिक्सल एंड 20 पिक्सल। तो इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो मैं कुछ ये सेट करने वाला हूँ, आप देख सकते हो। और इसके बाद जो है हमारा इसके जो कंटेनर है उसके ऊपर हम CSS यूज करेंगे दोस्तों। यहाँ पर मैं आपको अगर दिखाऊँ तो ये जो कंटेनर है अपन इसको ले लेंगे डॉट कंटेनर, ठीक है। और यहाँ पे जो है इसका जो मैक्स विड्थ रहने वाला है वो 1200 पिक्सल रखेंगे हम, और जो मार्जिन है वो 0 और ऑटो पे सेट कर देंगे दोस्तों, ठीक है। टेक्स्ट की जो अलाइनमेंट है वो सेंटर में जाएगी दोस्तों। एंड इसके बाद जो एकेडमिक सेक्शंस के ऊपर जो H2 हेडिंग है उसके ऊपर भी अपन CSS लगा देते हैं। सबसे पहले तो जो फ़ॉन्ट साइज़ है उसको हम 36 पिक्सल पे कर देंगे,
ठीक है। और मार्जिन वोटम को हम 20 पिक्सल पे कर देंगे, ठीक है। एंड जो इसका कलर होने वाला है दोस्तों, उसको जो है अपन 1565, ओके दोस्तों। सो कुछ ब्लूइश कलर का ऐसा कर देते हैं। और जो पोजीशन है इसकी, वो हम रिलेटिव ही रखने वाले हैं दोस्तों, सॉरी पैडिंग आ गया। सो इसकी जो पोजीशन है वो रिलेटिव ही रखने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। सो ये हो गया। और इसके बाद जो इसकी अंडरलाइन वाली जो इसके ऊपर जो हम आफ्टर इफेक्ट है दोस्तों, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। जो अंडरलाइन वाला कोड है वो मैं एग्जैक्टली चाहूँ तो सेम कॉपी कर सकता हूँ। जैसा कि अगर मैं आपको दिखाऊँ तो अपने को ये चाहिए, ठीक है ना। सो इसको मैं काम करता हूँ, यहाँ पे इसके ऊपर भी लगा देते हैं। और ये हमारा एकेडमिक सेक्शन है, ठीक है। सो ये जो हमारा अंडरलाइन है, ये इफेक्ट इसमें एज इट इज हमने यूज कर लिया है। सो इसके बाद इसको भी अपने को ग्रिड में ही दिखाना है दोस्तों। सो हम सिमिलर CSS ही यूज कर लेते हैं इसके लिए भी। एक काम करता हूँ, जो अपना ये हो चुका है। सो अपने को पी सेक्शन भी चाहिए होगा, और ये भी चाहिए होगा, ठीक है ठीक है ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, जो ये पूरा CSS है हमारा एडमिशन सेक्शंस वाला, वो उठा लेता हूँ मैं, और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। और जो जो नहीं चाहिए होगा दोस्तों, मैं उसको हटा देता हूँ। जैसे कि इम्पोर्टेंट डेट्स वाली चीज़ें तो हमें अपने को चाहिए ही नहीं दोस्तों, ठीक है ना। सो ये वाला जो पार्ट है वो अपन हटा देते हैं, ठीक है ना। और अगर अब हम यहाँ पे चलते हैं अपने इसके अंदर, और ये रहा एकेडमिक सेक्शन। सो यहाँ पे हम इसको एकेडमिक सेक्शन से रिप्लेस कर देते हैं दोस्तों, ठीक है ना। और यहाँ पे भी ठीक है दोस्तों। और ये प्रोसेस स्टेप जो है वो हमारा यहाँ पे बन जाएगा। जस्ट अ मिनट, अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे आप देखो, जो हमारा जो इंडिविजुअल CSS जिसके ऊपर हमने यूज किया है, तो यहाँ पे हमने क्या यूज किया है, उसकी जगह हमने यूज किया है एड अकेडमिक। सो उसकी जगह हमने यहाँ पे यूज किया एकेडमिक एरिया। सो मैं यहाँ पे एकेडमिक एरिया यूज कर लेता हूँ, ठीक है। और इसके ऊपर भी एकेडमिक एरिया आ जाएगा। और यहाँ पे हमने आई थिंक इमेज के लिए जो क्लास यूज की है वो एकेडमिक इमेज यूज किया है, देख लेते हैं। ये रहा एकेडमिक IMG यूज किया है। सो इसको भी अपन रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी ठीक है दोस्तों। और प्रोसेस स्टेप की जगह एकेडमिक एरिया, कंट्रोल डी करके आप चाहो तो एक इकट्ठे भी कर सकते हो, बट जस्ट फॉर चेक मैं बारी बारी से वैसे कर रहा हूँ। सो ये एकेडमिक सेक्शन हो जाएगा हमारा H3 का, ठीक है। और यहाँ पे भी ये एकेडमिक एरिया हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। और यहाँ पे भी ठीक है। और लास्ट ये भी। इसको मैंने सेव किया, और आप देख सकते हो जो हमारा ये जो CSS है यहाँ पे अपडेट हो चुका है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो बेसिकली ये अभी डेस्कटॉप पे भी ये जो है काफ़ी बड़ा दिख रहा है दोस्तों। सो इसको अपन फिक्स करेंगे, अपने को ऐसा नहीं चाहिए था। मे बी जस्ट अ मिनट, हमने कहीं कुछ गड़बड़ करी है क्या, एक बारी मैं देख लेता हूँ। दोस्तों हमने क्या किया है ना, आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने गड़बड़ कर रखी है। जो हमारा ये जस्ट अ मिनट, ये वाला जो डिव है ना, यहाँ पे ये एकेडमिक सेक्शन की जगह एकेडमिक एरिया आ जाना चाहिए। सो मैं अब कंट्रोल एस करता हूँ, और अगर आपको चेकआउट कराऊँ तो ये देख सकते हो हमारा जो डिजायर्ड लुक एंड फील था वो अचीव हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ बहुत बेहतर सा हमने जो अपना एकेडमिक सेक्शन है अपने लिए वो भी जनरेट कर लिया है। बेसिकली सिमिलर ही हमने यूज किया है दोस्तों। जो ये वाला पैटर्न है ना, मैंने इसी को कॉल किया। यहाँ पे एक फुल इमेज यूज किया है, क्योंकि यहाँ पे हमने 4 आइटम यूज किया है। आप चाहो तो 2 आइटम और ऐड करोगे तो ये भी जस्ट इसकी तरह दिखने वाला है, ठीक है ना।
सो कुछ इस तरीके से जो है हमने जो अपना सेक्शन है, अगर मैं इसको मोबाइल फ़ोन पे दिखाऊं स्मॉलर स्क्रीन पे, आप देख सकते हो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। सो जो हमारा एकेडमिक सेक्शन है दोस्तों वो पूरी तरीके से अब रेडी है। जस्ट हमने सेम CSS भी यूज कर लिया, आप इसको गो थ्रू कर सकते हो, सिमिलर वे में ही हमने ये यूज किया है बिल्कुल, ठीक है ना। सो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की ओर दोस्तों। ओके सो नेक्स्ट सेक्शन जो हम बनाने वाले हैं दोस्तों वो डिपार्टमेंट सेक्शन बनाने वाले हैं। सो मैं चलता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं डिपार्टमेंट सेक्शन करके एक कमेंट ऐड कर देता हूँ दोस्तों, ठीक है ना, डिपार्टमेंट सेक्शन। और जो इसके अंदर का जो कंटेंट है वो भी लिख लेता हूँ, और इसके बाद हम एक और सेक्शन बनाएंगे दोस्तों। आई थिंक ओके, यहाँ पे हम बना देते हैं कैंपस लाइफ सेक्शन, ठीक है ना। और इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो एक और सेक्शन बनाएंगे दोस्तों कॉन्टैक्ट का, ठीक है ना, कॉन्टैक्ट सेक्शन और बनाएंगे दोस्तों, कॉन्टैक्ट अस सेक्शन जो है, कॉन्टैक्ट अस सेक्शन। सो एक काम करता हूँ दोस्तों, मैं इन तीनों का कोड इकट्ठा ही लिख लेता हूँ, जो कॉन्टेंट है बेसिकली कॉन्टैक्ट अस में तो हम एक सिंपल सा फॉर्म और एक पैराग्राफ टाइप कुछ यूज करने वाले हैं, वो मैं अभी आगे वीडियो में बताऊंगा क्या यूज करने वाले हैं। मैं काम करता हूँ इन तीनों का ही जो कोड है, जो कंटेंट है वो मैं लिख लेता हूँ, उसके बाद मैं फिर आपको उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। सो दोस्तों देख सकते हो मैंने यहाँ पे एक डिपार्टमेंट जो सिमिलर सेक्शन है यहाँ पे क्रिएट किया, जहाँ पे आप देख सकते हो हेडिंग में मैंने डिपार्टमेंट्स लिया है और थोड़ा सा उसके बारे में लिखा, और फिर से सेम मैंने वही जो CSS हमने उस पर यूज किया था सिमिलर वे में हमने एक डिपार्टमेंट एरियाज करके बनाया और फिर डिपार्टमेंट एरिया बनाया है। सेम हम ग्रिड सेक्शन बनाने वाले हैं दोस्तों इसके लिए भी। सो यहाँ पे 3 जो कॉलम है मैंने इसके अंदर यूज किया है, आप देख सकते हो यहाँ पे एक बिजनेस से रिलेटेड और एक साइंस से रिलेटेड और एक इंजीनियरिंग से रिलेटेड, ये सिर्फ 3 मैंने कवर करे। आप चाहो तो इसमें और ऐड कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है ना। उसके जस्ट एक बाद हमने सिमिलर वे में कैंपस लाइफ सेक्शन भी बनाया, आप देख सकते हो यहाँ पे जो उसकी क्लास है हमने कैंपस ग्रेड लिया और उसके अंदर हमने ये कार्ड, इसको स्लाइटली मैंने डिफरेंट बनाने के लिए इसके अंदर थोड़ा हम अलग तरीके से इसको दिखाएंगे दोस्तों। आप देख सकते हो इसमें हमने कैंपस कार्ड का यूज किया हुआ है और इसमें टोटल हमने 4 इसमें यूज किया हुआ है, आप देख सकते हो स्पोर्ट्स क्लब्स एंड कल्चरल इवेंट्स हमने इसमें यूज किया हुआ है, आप देख सकते हो, ठीक है ना। सो उसके बाद जो है हमने यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस सेक्शन बनाया है दोस्तों। यहाँ पे आपको अगर मैं दिखाऊँ तो बेसिकली कॉन्टैक्ट अस सेक्शन में हमने क्या किया है, सो अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ कॉन्टैक्ट, सो यहाँ पर अगर मैं दिखाऊँ सिमिलर वे में हमने एक कॉन्टैक्ट अस सेक्शन भी बनाया है, आप देख सकते हो कंटेनर के अंदर हमने H2 में कॉन्टैक्ट अस रखा है और यहाँ पे हमने एक पैराग्राफ ऐड किया है कॉन्टैक्ट से रिलेटेड, और उसके बाद जो है हमारा जो कॉलेज का एड्रेस है उसको हमने एक कॉन्टैक्ट बॉक्स में डाला है। दूसरे कॉन्टैक्ट बॉक्स में हमने बेसिकली मैंने यहाँ पे 3 कॉन्टैक्ट बॉक्स बनाया है, एक के अंदर एड्रेस डाला है, एक के अंदर ईमेल डाला है और एक के अंदर जो कॉलिंग का नंबर है वो डाला है, और उसके जस्ट नीचे मैंने एक कॉन्टैक्ट फॉर्म जो है बिल्कुल सिंपल सा वो डाला है, जिसके अंदर हमने नेम और ईमेल और जो भी मैसेज टाइप करना है वो करके, और ये जो बटन है इसके ऊपर क्लिक करके जो है हमसे वो बंदा कनेक्ट कर सकता है, मतलब जो भी यहाँ पे जो फॉर्म में मैसेज डालेगा वो हमारे पास हमारे ईमेल पे आ जाएगा। उसके लिए भी मैं आगे अभी बताऊंगा कि वो किस तरीके से काम करेगा, अभी तो हमने इसमें फॉर्म एक्शन अभी हमारा आप देख सकते हो एक्शन में हमने अभी कुछ भी नहीं कर रखा है, ब्लैंक डाल रखा है, ठीक है ना। ये हो गया, और इसके बाद मैंने एक फुल विड्थ पे गूगल मैप भी ऐड किया है दोस्तों स्क्रीन के ऊपर। सो ये कुछ कॉन्टैक्ट सेक्शन में हमने ऐड किया, और जस्ट उसके नीचे फुटर सेक्शन मैंने बिल्कुल ही सिमिलर वे में यूज कर लिया दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने टेक्स्ट लिख रखा है, फेसबुक ट्विटर जो सोशल लिंक दे रखा है, आप चाहो तो यहाँ पे आइकन्स SVG फाइल्स या PNG आइकन्स, या फिर अगर चाहो तो थर्ड पार्टी जो फॉन्ट ऑसम का आइकन्स वगैरह वो भी यूज कर सकते हो। सो मैंने कुछ ये जो कोड्स है ये यूज करने वाला हूँ, सो मैंने इसके अंदर जो ये सारा कोड है जो आप देख सकते हो चेकआउट कर सकते हो, बिल्कुल बेसिक सिंपल है, जैसे हमने ऊपर के सेक्शंस बनाए हैं वो सिमिलर ही है दोस्तों। सो फटाफट से मैं इसको एक बार कंट्रोल एस करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि अभी जो हमारी सेक्शंस है वो किस तरीके से दिख रही है। सो अगर आप डिपार्टमेंट सेक्शन देखो तो देख सकते हो जो हमारा जो टोटल 3 इमेजेस हैं टाइप्स वो यहाँ पे दिख रहा है, उसके बाद जो है वो कैंपस लाइफ आ गया और उसके रिलेटेड चीज़ें आ रही हैं दोस्तों, और इसके नीचे अगर मैं दिखाऊं तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस सेक्शन में अगर देखो हमारा एड्रेस आ रहा है, ईमेल आ रहा है और कॉल अस का बटन आ रहा है, और यहाँ पे हमारा कॉन्टैक्ट फॉर्म भी आ रहा है, और उसके नीचे जस्ट
मैप आ रहा है, और जो ये हमारा फुटर सेक्शन है दोस्तों वो भी यहाँ पे आपको विजिबल होगा। सो अब बारी बारी से इनके ऊपर हम CSS लगाएंगे और इस जो प्रोजेक्ट है इसको फटाफट से हम कंप्लीट करते हैं। सो मैं आ जाता हूँ CSS में, और यहाँ पे सबसे पहले जो है हमारा, अगर मैं दिखाऊँ तो अपने को जो है वो डिपार्टमेंट सेक्शन के ऊपर जो है वो CSS यूज करना है दोस्तों। तो बेसिकली डिपार्टमेंट सेक्शन में भी हम सिमिलर यूज कर रहे हैं, तो अगर मैं चाहूँ दोस्तों तो उसको जो ऊपर हमारा सेक्शन है उसको कॉपी कर सकता हूँ मैं, या फिर अगर मैं इसको जस्ट अ मिनट, क्योंकि हम सिमिलर ही यूज कर रहे हैं, तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे इसको जो है मैं कॉपी कर रहा हूँ। और इसका दूसरा तरीका भी हम फॉलो कर सकते हैं दोस्तों, अगर चाहें कि एग्जैक्ट सिमिलर मान लो मेरे को यूज करना है, तो मैं एक काम और कर सकता हूँ यहाँ पे इनको रिप्लेस करने की बजाय मैं क्या कर सकता हूँ आपको जस्ट अ मिनट मैं दिखाता हूँ। जैसे कि ये तो एक तरीका हो गया, अलग से मैं इसको जो है इसके जो नेमिंग ये है मैं रिप्लेस कर दूंगा यहाँ पे इस तरीके से। मान लो कि हमारा ये डिपार्टमेंट एरिया है, तो मैं इसको डिपार्टमेंट एरिया से रिप्लेस करूँगा। यहाँ पे आपको मैं दिखाऊँ तो यहाँ पे अपन जो है जैसे कि ओ जस्ट अ मिनट ये रहा। सो यहाँ पे मान लो डिपार्टमेंट एरिया है, तो इसको हमें डिपार्टमेंट एरिया से रिप्लेस करना होगा। ये भी एक तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है दोस्तों, अगर मैं चाहूँ, क्योंकि हम बिल्कुल सिमिलर यूज कर रहे हैं, तो एक काम और कर सकते हैं दोस्तों। वो क्या कर सकते हैं जस्ट अ मिनट मैं आपको दिखाता हूँ मैं क्या करूँगा। यहाँ पर अगर मैं दिखाऊँ तो ये सेम सेक्शन मैं यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं कॉमा डालूँगा, और जो यहाँ से डिपार्टमेंट सॉरी जो मेन सेक्शन है ये रहा डिपार्टमेंट सेक्शन, क्योंकि इसके ऊपर भी मैं सेम CSS यूज करना चाह रहा हूँ। सबसे पहले मैं इसको ओपन कर देता हूँ, ठीक है ना, जस्ट अ मिनट डिपार्टमेंट, ओके ओके ये रहा। सो क्योंकि मैं इस पे अगर सेम CSS अप्लाई करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे अगर डाल दूँ यहाँ पे डॉट डिपार्टमेंट सेक्शन, सो अब क्या करेगा दोस्तों, ये सिमिलर CSS दोनों पे यूज हो जाएगा। सो अगर मैं आपको यहाँ पे जस्ट अ मिनट यहाँ पे अगर मैं आपको सेव करके दिखाऊँ, तो आप देखो इन दोनों का ये जो कलर है वो बिल्कुल मैच हो चुका है दोस्तों, ठीक है ना। बट कलर को अपने को सेपरेट रखना है, तो इसको चाहे तो इस पर्टिकुलर को हम सेपरेट रख सकते हैं। बाकी अगर मान लो कि मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि भाई सेम ही मेरे को इसके लिए भी चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे मैं ऐसे कॉमा लगाऊंगा और डिपार्टमेंट सेक्शन यहाँ पे डाल दूंगा, और जस्ट अ मिनट मैं इसको सेव करता हूँ और आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये हो गया, और यहाँ पे भी अगर हम चाहें H2 में भी, क्योंकि सेम ही है, तो डॉट डिपार्टमेंट सेक्शन है, इसको मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ और कंट्रोल एस करता हूँ। आप देख सकते हो सेम यहाँ पे ये आ गया, ठीक है ना। और सिमिलर वे में यहाँ पे एग्जैक्टली हम सेम यहाँ पे भी कॉपी कर सकते हैं, इसको कॉमा लगाएंगे और आफ्टर इफेक्ट जो है डिपार्टमेंट सेक्शन इसके ऊपर भी हम लगा सकते हैं इस तरीके से। देखो यहाँ पे भी आ गया, और इसके बाद वापस से अगर मैं यहाँ पे डिपार्टमेंट सेक्शन पे यहाँ पे लगा दूँ, ये देख सकते हो, सॉरी यहाँ पे हमें कॉपी करना पड़ेगा एक्चुअली, जस्ट अ मिनट, ओके कॉमा, और यहाँ पे अपने को डिपार्टमेंट सेक्शन रखना पड़ेगा, ठीक है। आप देख सकते हो ये भी हो गया, और यहाँ पे एकेडमिक एरियाज की जगह हमें डिपार्टमेंट एरिया है आई थिंक, देखना पड़ेगा क्या है हमारा। सो अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो ये रहा डिपार्टमेंट्स एरिया है। सो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, जो इसको कॉपी करेंगे दोस्तों, ठीक है ना, और यहाँ पे मैं डिपार्टमेंट्स एरिया डाल दूँगा, ठीक है। ये हो गया, अब सिमिलर वे में भी इसको भी हम कॉपी कर सकते हैं, जस्ट अ मिनट पेस्ट, और यहाँ पे अपन डिपार्टमेंट्स एरिया कर देंगे, ठीक है दोस्तों। सो इसके बाद आ गया वापस से ये होवर का फंक्शनैलिटी। सो यहाँ पे भी अगर हम चाहें तो सिमिलर वे में जो है हम रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और ये एकेडमिक इमेज है, और सो हमें डिपार्टमेंट्स इमेज पे भी सेम लगाना है। अगर मैं यहाँ चेकआउट करूँ तो अगर आपको दिखाऊँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमने डिपार्टमेंट इमेज यूज किया है, तो ओके ये डिपार्टमेंट इमेज रहने वाला है। सो यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ तो आपको ये कुछ इस तरीके से हो गया, आप देख सकते हो ये अभी कुछ इस तरीके से दिख रहा है, अभी हमने पूरा CSS अभी कंप्लीट नहीं किया इसके ऊपर। सो होवर वाला पार्ट है, इसके ऊपर भी अपन
सेम यूज कर लेते हैं, ठीक है ना। ये हो गया, और यहाँ पे भी अगर H3 पार्ट है उसको भी अपन, ठीक है, डिपार्टमेंट एरिया, ठीक है दोस्तों। अगर मैं यहाँ पे डिपार्टमेंट एरिया कर देता हूँ, इसके बाद ओके एकेडमिक सेक्शन आ रहा है, तो यहाँ पे हमारा डिपार्टमेंट सेक्शंस आना चाहिए, ठीक है। इसको कॉमा करेंगे और यहाँ पे अपन डिपार्टमेंट सेक्शन कर देंगे, ठीक है। और वापस से जो हमारा डिपार्टमेंट एरिया है इसको, ओके सो यहाँ पे भी हम सिमिलर वे में दोस्तों, यहाँ पे हम कॉमा ऐड करेंगे और इसको जो है अपन यहाँ पे भी जो डिपार्टमेंट है उसको जो है यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे दोस्तों, ठीक है ना। इस तरीके से रिप्लेस कर देंगे दोस्तों, ठीक है। और अगर मैं अब इसको कंट्रोल एस करूँ और आपको दिखाऊँ, तो आप देख सकते हो जो हमारा डिपार्टमेंट सेक्शन है वो भी ओके, सो जस्ट अ मिनट, ओके डिपार्टमेंट देख लेते हैं, ओके ओके यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे हमने डिपार्टमेंट्स कर रखा है, ये डिपार्टमेंट आएगा। सो इसको मैं सेव करता हूँ, ठीक है ना। और अगर अब आपको मैं चेकआउट कराऊँ, तो आप देख सकते हो जो हमारा डिपार्टमेंट एरिया है वो पूरी तरीके से जो है वो अलाइन हो चुका है। और हम चाहें तो ये जो हमारा कलर है बैकग्राउंड, इसको हम स्लाइटली डिफरेंट कर सकते हैं, उसको अलग से CSS में लिख के। जो हमारा ये वाला पार्ट था ना, इसको अपन चाहें तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ से इसको हटा करके मैं इसको सेव करता हूँ और नीचे आ जाता हूँ और जस्ट अ मिनट, ओके एकेडमिक्स का है ये। सो यहाँ पे मैं दोबारा से एक बार इसके ऊपर CSS लगाता हूँ और इसका कलर मैं स्लाइटली चेंज करता हूँ, मान लो, ठीक है, इस तरीके से। और अगर मैं आपको दिखाऊं, तो अभी हमारा जो डिपार्टमेंट सेक्शन है वो कुछ ऐसा दिख रहा है, और सेव करूं तो आप देख सकते हो ये इसका जो सिर्फ इसका जो कलर है वो चेंज हो गया। हालांकि ये जो कलर है वो इतना बढ़िया नहीं दिख रहा है दोस्तों। सो एक काम करते हैं, जो इसका जो बैकग्राउंड कलर है ना वो हम थोड़ा वाइट टाइप यूज कर लेते हैं अलग से। एक काम करता हूँ, F1 F8 E9, ठीक है, कुछ इस तरीके का कलर यूज कर लेते हैं। और जो हमारा डिपार्टमेंट से रिलेटेड स्टाइलिंग रहेगा दोस्तों, वो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। ये जो हमारा डिपार्टमेंट से रिलेटेड स्टाइलिंग है दोस्तों, वो यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया। बेसिकली हमने डिपार्टमेंट एरिया को इसी के अंदर इंक्लूड कर लिया है। तो अगर हम चाहें तो एक काम करता हूँ, इसको मैं मर्ज कर देता हूँ इसके साथ ही, ठीक है ना, क्योंकि हमने इसके साथ कंबाइन कर दिया है। तो यहाँ पे एकेडमिक एंड डिपार्टमेंट स्टाइलिंग कर देते हैं, ठीक है ना। सो यहाँ पे मैंने इसको कंबाइन कर दिया है, ठीक है। सो इस तरीके से भी आप अगर मान लो डुप्लीकेट CSS यूज कर रहे हो, तो ये बेस्ट प्रैक्टिस हो सकता है कि आप उसको कॉमा डाल के इस तरीके से यूज कर सकते हो ऑप्टिमाइज्ड वे में, कि आपको बार बार एक ही चीज़ को लिखने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है ना। ये हो गया आपका डिपार्टमेंट सेक्शन। अब आ जाते हैं हम अपने कैंपस लाइफ वाले सेक्शन पे। सो अगर मैं नेक्स्ट सेक्शन पे चलूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, सो इसके लिए जो है अपन CSS अब लिखना स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सो यहाँ पे मैं एक कमेंट डाल देता हूँ दोस्तों, सबसे पहले कैंपस लाइफ के लिए, ठीक है ना। सो कैंपस लाइफ में बेसिकली जो है हम इसमें भी हम थोड़ा अलग यूज करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे जो ओके ये क्लास हमने यूज किया है, इसके ऊपर जो है सबसे पहले जो हमारा पैडिंग है वो तो हम सिमिलर ही यूज करने वाले हैं। सो इसको भी चाहो तो आप कॉमा डाल के कर सकते हो दोस्तों, तो मैं यहाँ पे अभी फ़िलहाल सेपरेटली कर रहा हूँ। सो यहाँ पे मैं सेम ही यूज कर रहा हूँ, आप देख सकते हो पैडिंग, बट बैकग्राउंड कलर मैं अलग यूज कर रहा हूँ, ठीक है ना। सो मैं इसको इसलिए सेपरेट ही कर रहा हूँ। सो आप जो सिमिलर CSS है, मैंने पहले भी बताया, जैसा कि आप अपने अकॉर्डिंग जो है वो कंबाइन करके भी यूज कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। मैं ये वाला जो कलर है वो यूज कर लेता हूँ वापस से। सो ये हो गया, और इसके बाद जो कंटेनर के ऊपर है वो भी हम सिमिलर ही CSS यूज करने वाले हैं।
यहाँ पे डॉट जो कंटेनर है इसके यहाँ पे हम जो मैक्स विड्थ रहने वाली है हमारी 1200 की रहने वाली है, ठीक है। और मार्जिन जो है वो 0 ऑटो पे सेट करेंगे और टेक्स्ट की जो अलाइनमेंट है वो सेंटर में रहेगी दोस्तों, ठीक है। ये हम सिमिलर ही यूज कर रहे हैं। बाकी इसके बाद जो है अपन जो H2 वाला पार्ट है हमारा उसके ऊपर भी हम कुछ सिमिलर ही CSS यूज करने वाले हैं दोस्तों। सो ये वाला जो पार्ट है ना मैं सिमिलर ही यूज करने वाला हूँ, तो मैं एक काम करता हूँ इसी का ले लेता हूँ जस्ट अ मिनट। बेसिकली जो H2 पार्ट है ना, ओके ये रहा। सो ये वाला और ये पार्ट जो है हम सिमिलर ही यूज करने वाले हैं, तो मैं वापस से इसको कॉपी कर रहा हूँ दोस्तों, ठीक है ना। इसको मैं यहाँ करता हूँ पेस्ट और ये कैंपस लाइफ सेक्शन हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है हमारा यहाँ पे भी सिमिलर वे में हम, ठीक है, ये यूज कर लेंगे दोस्तों। और इसको अगर मैं कंट्रोल एस करूं तो आप देख सकते हो जो हमारा डिजायर्ड लुक एंड फील है हेडिंग 2 पे वो आ चुका है। सो मैंने यहाँ पे पिछली बार डायरेक्टली पी टैग पे हमने CSS यूज किया था दोस्तों, बट यहाँ पे हमने जो पी के अंदर जो है एक क्लास डिफाइन कर दिया है। बेसिकली बहुत सारे अगर पैराग्राफ हो तो आप इसको यूज कर सकते हो। बेसिकली मैंने इसको आपको बताने के लिए यहाँ पे पी में क्लास भी ऐड कर दिया है। सो जो फ़ॉन्ट साइज है वो हम सिमिलर ही यूज करने वाले हैं। सो 18 पिक्सल का हम जो फ़ॉन्ट साइज है वो डालेंगे और मार्जिन जो बॉटम है हमारा वो भी सेम रहने वाला है दोस्तों, 40 पिक्सल का, ठीक है। और जो कलर है वो हमारा #333 रहने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो ये जो हमारा मेन कैंपस लाइफ सेक्शन के अंदर ही ये है, आप देख सकते हो जो क्लास नेम है ये, तो हम चाहें तो इसके ऊपर इस तरीके से भी CSS लगा सकते हैं, और चाहें तो क्योंकि हमने यहाँ पे सेपरेटली जो यहाँ पे जो पी के अंदर जो क्लास दिया है उसको भी हम डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। हम यहाँ से पी हटा करके डायरेक्ट इसको भी यूज कर सकते हैं, तो दोनों केसेस में जो आपको रिजल्ट है वो सेम मिलने वाला है, ठीक है ना। ये हो गया। अब इसके बाद हम जो हमारा जो ग्रिड है उसके ऊपर हम CSS लगाएंगे, जो हमें क्योंकि इसे हमें ग्रिड व्यू में दिखाना है। सो जो ये क्लास है मेन कैंपस ग्रिड, सो इसके ऊपर अपन क्लास लगाएंगे। सो कैंपस ग्रिड के अंदर सबसे पहले तो जो कैंपस ग्रिड का जो पोजीशन है वो रिलेटिव पे सेट करेंगे, और जो बैकग्राउंड कलर है दोस्तों वो अपन बैकग्राउंड कलर को हम वाइट पे सेट कर देंगे, ठीक है ना, ठीक है। और उसके बाद जो है जो बॉक्स शैडो है, जस्ट अ मिनट, बॉक्स शैडो को हम कुछ ऐसा सेट कर देंगे दोस्तों, ठीक है ना। और इसके बाद जो है अपन एक काम और करेंगे, यहाँ पे बॉर्डर रेडियस जो है वो दे देंगे दोस्तों हम 12 पिक्सल, ठीक है। एंड ओवरफ्लो हमारा जो रहने वाला है वो हिडन रहने वाला है, ठीक है। एंड जो ट्रांजिशन है उसको भी अपन सेट कर देंगे दोस्तों, ठीक है। और इसके बाद जस्ट अपन जो है बॉक्स शैडो 0.3 SEG, ठीक है, कुछ ये सेट कर देंगे। ओके यहाँ पे बेसिकली जस्ट अ मिनट, मैंने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी है। ओके इस पे जो है अपन को जो डिस्प्ले है वो ग्रिड पे सेट करना है, ठीक है दोस्तों। और जो ग्रिड का जो टेम्पलेट है ना दोस्तों, सो ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स को अपन रिपीट एंड रिपीट के अंदर जो है ऑटो फिट प्रॉपर्टी होती है दोस्तों, उसको यूज करेंगे हम ऑटो फिट। एंड यहाँ पे हम एक और प्रॉपर्टी मिन मैक्स का यूज कर लेंगे, ठीक है ना। और इसके अंदर जो है हम 250 पिक्सल कॉमा, ठीक है दोस्तों, ये यूज कर लेंगे। और ये बेसिकली कैंपस ग्रिड की जगह हमारा ये कैंपस कार्ड रहने वाला है दोस्तों, ठीक है ना, यहाँ पे ये कैंपस कार्ड रहने वाला है।
अगर अभी मैं आपको सेव करके दिखाऊं और यहाँ पे आप देखो तो ये देख सकते हो कुछ ये 4 टाइम्स डिवाइड हो चुका है आप देख सकते हो, बट मोबाइल फ़ोन पे आप देखो तो ये सिंगल पीस में ही आ रहा है दोस्तों। अभी इसको भी अपन फिक्स करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले तो जो इसकी इमेज है ना उसी के ऊपर मैं जो इसका इमेज है उसकी जो साइज़ है उसको फिक्स कर लेता हूँ। यहाँ पे जो इमेज यूज किया है हमने कैंपस इमेज यूज किया है, ओके। यहाँ पे .campus img पे जो है हम इसका जो विड्थ है वो 100% पे सेट करेंगे दोस्तों, ठीक है। और जो हाइट है इसकी वो अपन 200 पिक्सल पे करते हैं, ठीक है। और ऑब्जेक्ट फिट को एज अ कवर कर देते हैं दोस्तों, ठीक है ना, ताकि इमेज जो है वो सेंटर में दिखे। जो ऑब्जेक्ट फिट है उसको कवर पे सेट कर देते हैं दोस्तों और सेव करते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हो कुछ अभी इसके बीच में गैप नहीं आ रहा, अभी इसको और फिक्स करेंगे। ये एक ही लाइन में यहाँ पे देख सकते हो आप जो डेस्कटॉप पे है वो ग्रिड व्यू में दिख रहा है, और अगर मैं आपको इस पे दिखाऊं तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से अभी फिलहाल दिख रहा है, इनके बीच में अभी गैप नहीं है, ओके। यहाँ पे मैं एक काम कर सकता हूँ, जो जस्ट अ मिनट, यहाँ पे जो कंटेंट है ना उसके लिए हमने ये क्लास यूज कर रखी है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा जो पैडिंग है वो यूज करना चाहूँगा, पैडिंग दे देता हूँ मैं यहाँ पे 20 पिक्सल, सॉरी 20 पिक्सल। एंड जो टेक्स्ट अलाइनमेंट है ना उसको अपन लेफ्ट में कर देंगे दोस्तों, ठीक है। ये हो गया, और इसके बाद जो है जो H3 है ना, जस्ट अ मिनट, ओके। इसमें जो H3 कंटेंट है उसके ऊपर भी अपन CSS ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले तो जो उसका फ़ॉन्ट साइज़ है वो 24 पिक्सल पे सेट करते हैं, और मार्जिन बॉटम को हम मार्जिन बॉटम को अपन सेट करेंगे दोस्तों 10 पिक्सल पे, ठीक है। और जो कलर है तो वो भी हम चाहें तो चेंज कर सकते हैं। कलर मैं इसका कर देता हूँ ब्लूइश टाइप, ठीक है ना। ये कलर हो गया, और एक काम और करते हैं दोस्तों, जो हमारा इसके ऊपर पी टैग है ना, जो ये पैराग्राफ लिखा हुआ है इसके ऊपर भी हम सेपरेटली यूज करते हैं CSS। फ़ॉन्ट साइज को हम 16 पिक्सल पे सेट कर देते हैं, और इसका जो कलर है वो भी हम स्लाइटली चेंज करते हैं -666, ठीक है, ओके। ये हो गया, और इसके बाद जो है अपन एक काम करते हैं जो स्मॉलर स्क्रीन के लिए है, इसको और बेहतर बनाने के लिए तो मीडिया क्वेरी जो है हम लिख लेते हैं इसके अंदर। और यहाँ पे जो मैक्स विड्थ है उसको अपन 768 पिक्सल पे लेंगे, और यहाँ पे जो हम कुछ स्मॉलर स्क्रीन के लिए जो है हम CSS यूज करेंगे। सबसे पहले तो जो कैंपस ग्रिड है ना दोस्तों उसके ऊपर ही हम CSS लगाएंगे। कैंपस ग्रिड के अंदर जो ग्रिड टेम्पलेट है ना, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम, इसको 1FR पे सेट करेंगे, ठीक है। और जो कैंपस इमेज है उसको भी अपन इस वाले इमेज का जो साइज है उसको भी हम थोड़ा सा एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे अपन इसको जो है, ओके, यहाँ पे हम जो हाइट है वो हम उस पर 200 लिया था, यहाँ पे हम 150 px कर देते हैं, ठीक है ना। ये हो गया, और यहाँ पे देख सकते हो अभी भी ये गैप नहीं आ रहा। हम यहाँ पे जो हमारा ग्रिड सेक्शन है ना यहाँ पे हम गैप डाल देते हैं दोस्तों, 30 पिक्सल का गैप डाल देते हैं, ठीक है। अभी देख सकते हो जो हमारा ये, अगर मैं आपको अभी दिखाऊं तो ये आप काफ़ी बेहतर दिख रहा है दोस्तों। अगर आपको लार्ज स्क्रीन पे दिखाऊं तो ये यहाँ पे कुछ ऐसा दिख रहा है, और अगर मैं आपको स्मॉलर स्क्रीन पे दिखाऊं तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है ना।
इसके बाद जो है अगर आप चाहो तो इसकी एनहेंसमेंट और भी कर सकते हो, जो इसकी पैडिंग वगैरह स्पेसिंग वगैरह कर सकते हो, इसके जो कलर वगैरह है वो इनके कलर्स चेंज कर सकते हो, चाहें तो हम इस पर आफ्टर इफेक्ट लगा के इसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं। बाकी ये अभी है जो हमारा कैंपस लाइफ है, फिर नहीं तो सिमिलर ही हो जाएगा, तो मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो ये वैसे भी काफ़ी अच्छी लुकिंग आ रही है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो इस तरीके से, ठीक है ना, पूरी तरीके से ये रिस्पॉन्सिव भी है। ये कैंपस लाइफ सेक्शन हो गया दोस्तों, और अब जो है हम अपने जो कॉन्टैक्ट अस वाला पार्ट है उसके लिए भी हम CSS लिखते हैं दोस्तों। यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट अस वाला सेक्शन है, कॉन्टैक्ट, ठीक है, कॉन्टैक्ट के लिए भी अपन जो है वो CSS लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों सिमिलर ही हम जो पैडिंग है वो यूज करने वाले हैं। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो कॉन्टैक्ट सेक्शन हमने यूज किया है। यहाँ पे हम जो है सबसे पहले जो पैडिंग है उसको जो है 60-20 पे सेट करेंगे, ठीक है, और जो हमारा BG कलर है दोस्तों उसको अपन F5 पे सेट करेंगे, ठीक है, और टेक्स्ट की अलाइनमेंट सेंटर में कर देंगे दोस्तों। और इसके बाद जो है जो हमारा कंटेनर है उसके ऊपर भी अपन सिमिलर CSS लगाने वाले हैं। मैक्स वेट 1200 px एंड मार्जिन हमारा होने वाला है दोस्तों 0 auto, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद जो है हमारा H2 हेडिंग है, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो इस H2 की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे हेडिंग के ऊपर भी अपन सेपरेटली CSS लगाते हैं। यहाँ पे जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो हम 36 पिक्सल का यूज करने वाले हैं, और ये एक बात ध्यान रखना दोस्तों, जैसे H2 है उसके लिए अगर थ्रू आउट आप चाहो तो, क्योंकि मैं यहाँ पे आप देख सकते हो सेम ही यूज कर रहा हूँ, तो H2 पे ग्लोबली भी हम चाहें तो ये CSS लगा सकते हैं, बार बार हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है। H2 को हम सीधा 36 पिक्सल पे कर सकते हैं ओवरऑल पूरी वेबसाइट पे। यहाँ पे जो मार्जिन बॉटम है उसको अपन सेट करेंगे 20 पिक्सल पे, ठीक है ना, ओके, ये क्लोज नहीं हुआ था, ठीक है। ये हो गया, और इसके बाद जो इसका कलर है वो अपन #333 पे सेट करेंगे, और जो उस कॉन्टैक्ट सेक्शन की पोजीशन है वो रिलेटिव रहने वाली है, ठीक है, और जो आफ्टर इफेक्ट है ना वो भी हम सिमिलर यूज कर लेते हैं। जो ये वाला है ये हम सिमिलर ही यूज कर लेते हैं ताकि एग्जैक्टली वैसा ही दिखे, सिमिलर टाइप ही। कॉन्टैक्ट सेक्शन पे भी अपन सिमिलर ही यूज कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है। आप देख सकते हो जो इफेक्ट है वो हमारा आ चुका है। बाकी अब बात कर लेते हैं अपने पी सेक्शन के लिए, तो पी सेक्शन पे भी हम थोड़ा सा जो हमारा ये पैराग्राफ है इस पे भी हम CSS यूज कर लेते हैं दोस्तों। जो फॉन्ट साइज है उसको जो है 18 पिक्सल पे सेट कर देता हूँ मैं, एंड जो कलर है उसको जो है अपन #666 पे सेट कर देते हैं, ठीक है, एंड मार्जिन बॉटम हमारा 40 पिक्सल पे सेट कर देते हैं, ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब अगर मैं यहाँ आऊँ तो यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ एक कॉन्टैक्ट इन्फो का पेरेंट क्लास है जिसके अंदर हमने कॉन्टैक्ट बॉक्स बना रखा है। एक काम करते हैं, यहाँ पे सबसे पहले हम कॉन्टैक्ट इन्फो को लेते हैं और जो इसका डिस्प्ले टाइप है उसको अपन फ्लैक्स पे सेट करते हैं, ठीक है जी, ताकि अब देख सकते हो एक ही लाइन में अब ये दिख रहा है, और जस्ट Justify content को अपन space between पे सेट करेंगे, and flex, ठीक है, इसको रैप कर देते हैं, और gap होने वाला है हमारा 20 pixel का, ठीक है दोस्तों,
ये हो गया। और अब आ जाता है हमारे बारी इसकी कॉन्टैक्ट बॉक्स की, जो कि हमने 3 बॉक्सेस यूज किए हैं। सो इसके ऊपर भी हम CSS यूज कर लेते हैं। सो यहाँ पे क्या करने वाले हैं हम, फ्लैक्स और इसको 1 और 33% यूज कर लेते हैं, क्योंकि ओके परसेंट एंड 20 पिक्सल, ठीक है दोस्तों। सो ये यूज कर लेते हैं। और जो पैडिंग है इसका हम दे देते हैं 20 पिक्सल, ठीक है। एंड बैकग्राउंड कलर देना चाहें तो वो भी हम दे सकते हैं। सो मैं यहाँ पे वाइट कलर दे देता हूँ, ठीक है, ताकि ये देख सकते हो ये बॉक्स अच्छे से दिखे। यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरीके की लुकिंग आ रही है अभी फ़िलहाल, आप देख सकते हो, ठीक है ना। और इसके बाद जो है अपन जो बॉर्डर रेडियस है ना वो भी दे देते हैं, ताकि ये और थोड़ा सा इसका जो कॉर्नर है वो स्मूथ दिखे। सो 18 पिक्सल का हम बॉर्डर रेडियस दे देते हैं। एंड बॉक्स शैडो भी दे देते हैं दोस्तों, कुछ ऐसा बॉक्स शैडो दे देते हैं दोस्तों। और इसके बाद जो है चाहे तो हम ट्रांजिशन भी इसके ऊपर डाल सकते हैं, ठीक है। सो ये हो गया। और इसके बाद जो है इसके ऊपर जो होवर करने के ऊपर भी हम थोड़ा सा इफ़ेक्ट डाल सकते हैं। सो होवर एंड यहाँ पे मैं जो ट्रांसफॉर्म और ट्रांसलेट बाई, ठीक है, और यहाँ पे अपन सिमिलर लिफ्ट अप वाला जो है वो से यूज कर लेंगे, ठीक है। आप चाहो तो ट्रांसलेट एक्स भी यूज कर सकते हो दोस्तों, ठीक है ना, इस तरीके से। सो अगर मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाऊं तो ये इस तरीके से मूव करेगा, ठीक है। बाकी अगर चाहो तो आप ट्रांसलेट वाई चाहते हो वर्टिकली करना तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। सो ये हो गया। और चाहें तो हम बॉक्स शैडो के ऊपर भी हम थोड़ा सा एक काम करता हूँ, होवर पे बॉक्स का जो इफ़ेक्ट है इसको भी अपन स्लाइटली चेंज कर देते हैं, ठीक है ना। सो यहाँ पे मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। और अब अगर मैं सेव करूँ और इसको आपको रिफ्रेश करके दिखाऊँ तो देख सकते हो अब ये जो इसके ऊपर जब मैं होवर कर रहा हूँ तो ये थोड़ा सा शैडो भी यहाँ पे आ रहा है, तो और प्रोफेशनल लग रहा है ये। सो इस तरीके से आप छोटी छोटी चीज़ें अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो दोस्तों, ठीक है ना। ये हो गया। और इसके बाद जो हमारा इसके अंदर अगर मैं वापस आऊँ तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो जो ये H3 में हमने ये ऐड कर रखा है, ये जो एड्रेस वगैरह जो भी हमने ईमेल्स यूज किया है। सो अगर हम चाहें तो इसके ऊपर भी अपन जो है वो सेपरेटली CSS जो है वो ऐड कर सकते हैं। सो यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो H3 के ऊपर भी हम जो फॉन्ट साइज है वो मैं सेट कर देता हूँ 24 पिक्सल, ठीक है, थोड़ा ये एनलार्ज होके दिखे। एंड जो मार्जिन बॉटम है उसको अपन 10 पिक्सल पे सेट करेंगे, ठीक है दोस्तों। और जो कलर है ना उसको भी अपन ब्लू यूज कर लेते हैं, ठीक है, ये देख सकते हो आप। और इसके बाद जो ओके जो पी टैग है इसके ऊपर भी अपन जो फॉन्ट साइज है उसको 16 पिक्सल पे कर लेते हैं, और कलर को अपन H666 पे यूज कर लेते हैं, ठीक है। सो और जो एंकर लिंक है देख सकते हो यहाँ पे, उसके ऊपर भी अगर हम चाहें तो जस्ट अ मिनट, यहाँ पे मैं जो कलर है उसको अपन हैज, ठीक है, ये यूज कर लेता हूँ। और इसके बाद जो टेक्स्ट डेकोरेशन है उसको मैं नन कर देता हूँ, ताकि जो फ़ोन नंबर के ऊपर हमारा लाइनिंग आ रहा है वो हट जाए, ठीक है, ये हट चुका है अब। और चाहो तो इस पे आप ट्रांजिशन भी यूज कर सकते हो, बाकी कोई ऐसी इशू नहीं है। सो अगर ट्रांजिशन यूज करना है तो आप ट्रांजिशन भी यूज कर सकते हो। सो ट्रांजिशन के अंदर मैं बेसिक कलर को 0.3 एस ईज कर देता हूँ,
ठीक है, आप देख सकते हो ये थोड़ा सा इसके ऊपर ये फेड वाला इफेक्ट आ रहा है। और अगर मैं इसके ऊपर होवर करूँ तो चाहूँ तो मैं इसको होवर पे भी मैं इसका जो कलर है वो चेंज कर सकता हूँ। सो यहाँ पे अपन होवर इफेक्ट भी यूज कर सकते हैं दोस्तों अपनी मर्जी से। सो यहाँ पे जस्ट मैं इसका कलर चेंज करना चाहूँगा, ठीक है। सो येलोइश कलर कर देते हैं, ठीक है। सो अगर मैं अब इस फ़ोन नंबर पे होवर करूँगा तो आप देखो इसका जो कलर है वो चेंज हो रहा है, ठीक है ना। सो ये वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारा कॉन्टैक्ट फॉर्म है इसके लिए भी हम स्टाइलिंग करते हैं दोस्तों। सो ये भी कॉन्टैक्ट अस का ही पार्ट है। सो मैं डायरेक्टली ही यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ओके यस कॉन्टैक्ट फॉर्म ही है। सो इसको यूज कर लूँगा, ठीक है। और कॉन्टैक्ट फॉर्म को जो है अपन मार्जिन टॉप दे देंगे 40 पिक्सल दोस्तों, ठीक है। एंड जो टेक्स्ट की अलाइनमेंट है वो लेफ्ट पे कर देंगे दोस्तों, ठीक है। एंड जो फॉर्म ग्रुप है ना, जस्ट अ मिनट, ये रहा हमारा कॉन्टैक्ट फॉर्म। एंड जस्ट अ मिनट, यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो हमने यहाँ पे क्लास यूज किया है फॉर्म ग्रुप। सो इसको ले लेते हैं एंड इसके ऊपर जो है अपन जो मार्जिन बॉटम है उसको सेट कर देते हैं 20 पिक्सल पे, ठीक है दोस्तों। आप देख सकते हो अब ये थोड़ा इन सब के बीच में गैप आ चुका है। और अब जो है अपन ओके यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म में जो इनपुट फील्ड्स है ना उसके ऊपर, सो इनपुट के ऊपर और कॉमा और क्या है हमारे पास कॉन्टैक्ट फॉर्म के अंदर जो है हमने एक टेक्स्ट एरिया भी यूज किया है दोस्तों, आई थिंक ओके ये रहा। सो आप देख सकते हो यहाँ पे हमने जो है एक टेक्स्ट एरिया भी यूज किया है। सो इसको भी ले लेता हूँ मैं, यहाँ पे टेक्स्ट एरिया आ जाएगा। दोनों के ऊपर जो है हमें सिमिलर CSS यूज करना है तो मैं इकट्ठा ही ले रहा हूँ यहाँ पे। और जो इसकी विड्थ है वो अपन 100% पे सेट कर देंगे दोस्तों, ठीक है। देख सकते हो कुछ ऐसा दिख रहा है अभी। एंड जो पैडिंग है इसकी उसको जो है अपन 15 पिक्सल पे कर देंगे ताकि ये थोड़ा बड़ा दिखे। सो ये हो गया। और जो फ़ॉन्ट का साइज़ है वो भी अपन 16 पिक्सल पे कर देंगे दोस्त, ठीक है। एंड जो बॉर्डर है उसको अपन 1 पिक्सल एंड सॉलिड, और जो कलर देना चाह रहा हूँ मैं DDD, ठीक है। ये हो गया। और बॉर्डर रेडियस भी दे सकते हैं दोस्तों यहाँ पे हम। सो बॉर्डर रेडियस में अपन 5 पिक्सल डाल देते हैं दोस्तों, ठीक है। एंड जो बैकग्राउंड कलर है ना उसको अपन वाइट पे सेट करते हैं दोस्तों। सो दोस्तों इसके बाद जो है हमारा ये हो गया। अब जो हमारा ये जो बटन है दोस्तों सबमिट बटन, उसके ऊपर भी अपन जो है CSS लगा सकते हैं। सो यहाँ पे डॉट अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो बटन की जो क्लास है वो देख सकते हो ये रहा। सो इसके ऊपर भी अपन जो है वो सेपरेटली जो है सबसे पहले तो इसके अंदर जो है हम पैडिंग ऐड करके इसको थोड़ा सा एनलार्ज कर देते हैं 12 पिक्सल एंड 40 पिक्सल, ठीक है। सो और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो अपन जो है यहाँ पे जो बैकग्राउंड कलर है ना दोस्तों उसको अपन यहाँ पे हैज एंड वन सुब्लूस कलर हम यूज कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। एंड जो इसका बॉर्डर है वो अपन नन पे सेट कर देंगे दोस्तों, ठीक है। एंड जो इसका कलर होने वाला है वो हम वाइट कर देंगे ताकि जो टेक्स्ट कलर है वो वाइट दिखे, ठीक है दोस्तों। सो कुछ इस तरीके से हमारा जो फॉर्म का बटन है वो आ जाएगा। और इसके ऊपर चाहें तो हम होवर कलर भी यूज कर सकते हैं, जस्ट उसके लिए अपने को जो होवर इफेक्ट है वो ऐड करना पड़ेगा इसके ऊपर, ठीक है ना। इस तरीके से अगर हम चाहें तो इसके ऊपर जो होवर है उसको ऐड कर सकते हैं। और जो होवर पे हम और कुछ नहीं तो सिर्फ बैकग्राउंड का जो कलर है वो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं येलो इस कलर यूज कर लेता हूँ, ठीक है।
अगर मैं इसके ऊपर जब भी होवर करूँगा तो आप देख सकते हो जो इसका कलर है वो चेंज हो रहा है। इसको आप अपने अकॉर्डिंग होवर पे और भी बॉक्स शैडो वगैरह आप चूज कर सकते हो, जैसे हमने पहले भी किया है, ठीक है ना। और अगर आप अभी मैं आपको दिखाऊं तो जो हमारा जो ये वेबसाइट है दोस्तों, काफ़ी हद तक रेडी है। जब जस्ट फुटर के लिए जो है हमारा CSS रहता है, और चाहें तो इसको भी, इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा CSS यूज कर सकते हैं। सबसे पहले मैं जो हमारा ये मैप है, इसकी जो क्लास है, इसके ऊपर ही मैं तो डॉट मैप, और यहाँ पे अपन जो है इसके ऊपर थोड़ी सी हम CSS ऐड करने वाले हैं दोस्तों। जो मार्जिन टॉप है उसको अपन 40 पिक्सल पे सेट करते हैं, ठीक है। एंड जो विड्थ रहने वाला है दोस्तों, इसको अपन 100% पे सेट करेंगे, ठीक है। एंड जो हाइट रखेंगे ना दोस्तों, उसको हम 450px पे रखते हैं, ठीक है। एंड ओवरफ्लो को हम हिडन पे सेट कर देंगे दोस्तों, ठीक है। एंड बॉर्डर रेडियस भी डाल देते हैं ताकि जो इसका कॉर्नर है वो ज़्यादा शार्प ना दिखे। बॉर्डर रेडियस अपन 8 पिक्सल का डाल देते हैं दोस्तों, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे आप काफ़ी बेहतर दिख रहा है, ठीक है। और एक काम और कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा फुटर सेक्शन है ना, उसके ऊपर जो है हम CSS यूज कर लेते हैं थोड़ा सा। फुटर के लिए सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे देखूँ, ये रहा फुटर। मैं फुटर पे जो है यहाँ पे सबसे पहले तो जो बैकग्राउंड है वो हम सेम यूज करने वाले हैं जो कि हमने हेडर के लिए यूज किया है। ये रहा, ठीक है दोस्तों। मैं फुटर में भी सेम बैकग्राउंड यूज करने वाला हूँ यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे आप देखो, जैसे ही मैं सेव करूँगा ये सेम बैकग्राउंड नीचे आ चुका है, ठीक है। एंड जो कलर है उसका हम, जस्ट अ मिनट, जो कलर है उसको हम FFF यूज करने वाले हैं। एंड इसके जो टेक्स्ट की अलाइनमेंट है वो हम सेंटर में कर देंगे दोस्तों, ठीक है। एंड पैडिंग यहाँ पे हम यूज कर लेंगे 20px एंड 0, ठीक है दोस्तों। एंड इसके बाद जो हमारा सोशल लिंक्स है, इसके ऊपर भी हम जस्ट अ मिनट, यहाँ पे मैं एक सोशल लिंक्स के लिए सेपरेटली यहाँ पे क्लास, सबसे पहले तो जो लिस्ट का स्टाइल है उसको नन पे सेट कर देंगे दोस्तों, ठीक है। एंड यहाँ पे काम और कर सकते हैं, जो पैडिंग है उसको अपन 0 पे सेट कर देंगे। एंड जो डिस्प्ले है इसको हम फ्लैक्स पे सेट कर देते हैं, ठीक है। एंड जस्टिफाई इसको सेंटर कर देते हैं दोस्तों, ठीक है। एंड जो li टैग है ना, इसके ऊपर अपन इसके ऊपर स्पेसिंग डाल देंगे, मार्जिन 0 एंड 10 पिक्सल, ठीक है दोस्तों। देख सकते हो इसके बीच में स्पेसिंग आ चुकी है। बाकी इसका कलर है वो भी हम वाइट कर देंगे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो ए एंकर टैग है उसके ऊपर अपने को CSS लगाना पड़ेगा। यहाँ पे अपन जो इसका कलर है वो हम वाइट पे सेट कर देंगे, ठीक है दोस्तों। ये कुछ इस तरीके से, और टेक्स्ट का जो डेकोरेशन है, अगर अंडरलाइन मुझे हटाना है तो वो भी मैं नन कर देता हूँ, ठीक है ना। टेक्स्ट डेकोरेशन नन, ठीक है दोस्तों। कुछ इस तरीके से जो है हमारा ये दिख रहा है। और इसके ऊपर अगर हम चाहें तो होवर कलर भी यूज कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, होवर यूज कर लेते हैं और अंडरलाइन, एंड अगर चाहें तो यहाँ पे इसका कलर चेंज कर सकते हैं, नहीं तो जस्ट अंडरलाइन ही करते हैं इसको। और सेव करूँ और इसको अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे अगर मैं जब होवर करूँगा तो आप यहाँ देख सकते हो ये आ रहा है दोस्तों। अगर हम अब चेकआउट करें, जस्ट अ मिनट, मैं अगर आपको चेकआउट कराऊं तो जो हमारी वेबसाइट है कुछ इस तरीके से दिख रही है दोस्तों। जो हमने कंप्लीट वेबसाइट है अपने लिए वो पूरी तरीके से बना ली है, देख सकते हो आप।
अबाउट सेक्शन, एडमिशन सेक्शन, एकेडमिक सेक्शन और डिपार्टमेंट सेक्शन, कैंपस लाइफ एंड ये हमारा कॉन्टैक्ट सेक्शन। अब बारी आती है दोस्तों इस फॉर्म को जो है, इस फॉर्म को हम वर्किंग फॉर्म बनाते हैं, उसके बाद जो है इस जो अपना प्रोजेक्ट है उसको जो है ऑनलाइन डिप्लॉय करेंगे। सो दोस्तों सबसे पहले जो है हम अपना जो कॉन्टैक्ट फॉर्म है इसको वर्किंग बना लेते हैं। सो इसको करने के लिए मैं सबसे सिंपल स्टेप फॉलो करने वाला हूँ दोस्तों। इसके अंदर हम थोड़ा सा एक थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है उसका उसकी हेल्प लेने वाले हैं। सो इस वेबसाइट पे आने हैं। सो दोस्तों आपको बेसिकली इस वेबसाइट पे आना है और यहाँ पे क्रिएट योर एक्सेस की पे क्लिक करना है और जस्ट यहाँ पे आपको जो अपना ईमेल है ना वो यहाँ पे आपको डालना है, ठीक है दोस्तों। सो जैसे ही ईमेल डालोगे और क्रिएट पे क्लिक करोगे आप, तो आपके पास जो है इसका एक API की आ जाएगा दोस्तों, कुछ इस तरीके का एक योर पब्लिक जो एक्सेस की है वो मिल जाएगा आपको। अब इसके साथ करना क्या है, सो देख सकते हो इसके अंदर ही इन्होंने स्टेप्स लिख रखा है, रेफरेंस दे रखा है सी एग्जांपल। सो मैं इसी पे क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब हमको जो है इस फॉर्म पे कुछ इसी तरीके का हमारा फॉर्म है जो HTML CSS की हेल्प से हमने बनाया है, वो हम उसको यूज करना चाह रहे हैं। तो इस वाले को मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देखो इन्होंने क्लियरली इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि कैसे आपको यूज करना है। सो यहाँ पे आप देखो जो फॉर्म की क्लास है कॉन्टैक्ट फॉर्म है और जो एक्शन के अंदर इन्होंने ये वाली चीज़ यूज कर रखी है API जो ये वेबसाइट है, सेम आपको एक्शन के अंदर ये पेस्ट करना है। सो जो फॉर्म का एक्शन होने वाला है हमारा ये होने वाला है। ओके सो मैं जाता हूँ अपने कोड में और यहाँ पे जो ये हमारा एक्शन है ना दोस्तों, यहाँ पे ओके मेथड पोस्ट ऑलरेडी है, कोई बात नहीं मैं इसको पूरा ही रिप्लेस कर देता हूँ, ठीक है ये रहने वाला है, ठीक है ये हो गया। और इसके बाद क्या करना है, इसके बाद एक काम और करना है, यहाँ पे एक और इनपुट टाइप ऐड करना है जो कि हिडन रहने वाला है। जस्ट अ मिनट मैं करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आप क्या करोगे, इस इनपुट टाइप को ऐड करोगे और एक्सेस की के अंदर जो आपको ईमेल पे एक्सेस की मिला है ना दोस्तों, इस वाले की को अपने इसमें पेस्ट कर दोगे, ठीक है। सो यहाँ पे मैं एक्सेस की डाल देता हूँ, ठीक है। और जस्ट अ मिनट, ओके ठीक है, ओके। सो ट्राई करके देखते हैं दोस्तों, इसको हम करते हैं सेव, ठीक है। और यहाँ पे मैं अगर इसको एक बारी रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पे मैं नाम डालता हूँ टेकी, और ठीक है कुछ भी ईमेल डाल देते हैं और हाय और सेंड पे मैं क्लिक करता हूँ। सो देख सकते हो यहाँ पे ओके इनवैलिड एक्सेस की बता रहा है दोस्तों। जस्ट अ मिनट हम दोबारा से अपना जो एक्सेस की है उसको पेस्ट करते हैं, ठीक है ना। मे बी कुछ स्पेस का पंगा हुआ है, देख लेते हैं एक बारी। सो यहाँ पे मैं वापस से जो है यस स्पेस का ही पंगा है दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैं अपना एक्सेस की जो है वो वापस से डालूँगा और इसको सेव कराया मैंने, और वापस से मैं बैक करता हूँ और इसको रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पे अपना नेम, ईमेल और मैसेज डालता हूँ और सेंड पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। सो देख सकते हो यहाँ पे फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली आ गया और आपको अगर मैं चेक कराऊँ तो यहाँ पे हमारा नोटिफिकेशन भी आ चुका है। सो अभी देखो ये इसने जो है हमारा इसके ऊपर लैंड कर दिया, बट हमें सेम पेज पे ही रहना है, तो उसके लिए भी अपन क्या कर सकते हैं, जस्ट अ मिनट आपको मैं दिखाता हूँ, ठीक है। ये इनकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है दोस्तों, यहाँ पे अपन क्या करने वाले हैं देख लेते हैं, यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम। ओके यहाँ पे आपको प्योर HTML पे मैं एक बारी चेक कर लेता हूँ, यस अपने को ये वाली चीज़ चाहिए दोस्तों, ठीक है ना। सो एक और हम इनपुट टाइप लेंगे दोस्तों यहाँ पे, ताकि जो हमारा पेज है वो सेम पे रिडायरेक्ट करे। सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक इनपुट टाइप के अंदर जो हिडन रहेगा और रिडायरेक्शन में जो अपना URL है ना वो मैं सेम ऐड कर देता हूँ दोस्तों, ठीक है। सो यहाँ पे मैं इस URL को ही
ऐड कर लेता हूँ अपने वाले को, ठीक है। अब मैं ट्राई करता हूँ इस पर एक और फॉर्म पे सेंड करते हैं एक और मैसेज। सो यहाँ पे मैं सेंड करता हूँ। सो देखो ये सेंड हो चुका है और हमारा कॉन्टैक्ट अस पे रिडायरेक्ट भी हो चुका है। और अगर मैं आपको अभी चेक करवाऊँ तो ये मेरे पास एक और नोटिफिकेशन यहाँ पे आ चुका है। सो इस तरीके से आप बहुत ही सिंपल वे में जो है अपना जो कोई भी कॉन्टैक्ट का फॉर्म है, जो बेसिक HTML में आपने फॉर्म लिख रखा है, उसको आप वर्किंग बना सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो हमारा फॉर्म है वो कम्प्लीटली वर्क कर रहा है। आप जो भी ईमेल चाहो वो यूज कर सकते हो यहाँ पे। बेसिकली ये शायद 100 फॉर्म तक ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके बाद शायद ये कुछ नॉमिनल अमाउंट चार्ज करते हैं। आप यहाँ पे देख भी सकते हो इनकी जो प्राइसिंग है, 250 मंथली सबमिशन फ्री है दोस्तों, तो इसको आप चाहो तो यूज कर सकते हो, ठीक है ना। सो दोस्तों हमने जो ये कॉन्टैक्ट फॉर्म है इसको भी अपना वर्किंग बना लिया है। बाकी अगर मैं इसको डिप्लॉय करने की बात करूं तो डिप्लॉयमेंट के लिए आपको बेसिकली इसमें कुछ ज़्यादा करने की है नहीं, क्योंकि हमने इसमें कोई फ्रेमवर्क यूज किया नहीं है। सो इसको सीधा सीधा आप जो जो इसकी फाइल्स है, अगर मैं आपको जो ये फाइल्स हैं दोस्तों, अगर मैं इसको दिखाऊं तो आप यहाँ पे एक कॉलेज फोल्डर है, इसको आप जिप में कंप्रेस कर सकते हो और सीधा जो अपने जहाँ से भी आपने होस्टिंग खरीदी है वहाँ पे आपको एक पब्लिक HTML का फोल्डर मिलेगा, उसको वहाँ पे जस्ट आपको इन फाइल्स को है जो मूव कर लेना है। बस मेक श्योर ये करना दोस्तों, अपलोड करने के बाद आप इसको जो है इस फोल्डर के अंदर ना रख के ये जो फाइल्स है इसको आपको डायरेक्टली पब्लिक HTML के अंदर डालना पड़ेगा। सो डायरेक्टली वो आपके जो भी सर्वर से कनेक्टेड रहेगा, जिस भी वेबसाइट पे आपने उसका DNS पॉइंट कर रखा होगा, उस वेबसाइट पे ये डिप्लॉय हो जाएगा, उस डोमेन नेम पे एक्चुअली वो ये जो वेबसाइट है वो होस्ट हो जाएगी दोस्तों। सो काफ़ी सिंपल है दोस्तों, इसमें ऐसा कुछ करने लायक है नहीं, ठीक है ना। सो इस तरीके से आप इसको डिप्लॉय भी कर सकते हो, ठीक है ना। बाकी आप अपने जो हमारे वेबसाइट है उसको चेकआउट कर सकते हो। ये हमने फुल्ली जो है हमारा ये वर्किंग वेबसाइट हमने बना लिया है, आप देख सकते हो, ठीक है ना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलेंगे फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।